الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد पानी छूटी भाई मोहम्मद وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو احکم الحاکمین ہے جو رب العالمین ہے جو علی کل شیء قدیر ہے جس نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبروں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امتی ہونے کا شرف دیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے پھول برسا اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ سورہ آمین کی میں نے تلاوت کی اور اسی کی تشریح میں میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جلسے میں تھوڑی دیر کے لیے خلفشار ہوا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے رات کے 1 بجے ٹائم دیا جا رہا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ کہہ کر بلایا گیا ہے یہاں پر کہ آپ کو 11 بجے ٹائم دیا گیا جو لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کیے ابھی راستے میں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت بڑے کرمنل ہیں جائیں میرے اوپر بھی جان دینے والے ابھی ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان ہیں وہ آدمی یہ نہ سمجھیں اچھا کپڑا پہن لینا اور اچھی شکل بنا لینے سے کوئی آدمی کرمنل نہیں ہو جاتا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا میں صرف مجھے رات کے 1 بجے بھی ٹائم ملا بہت سی جگہوں پر مجھے رات میں 2 بجے بھی ٹائم ملا لیکن سسٹم صحیح ہونا چاہیے آپ اگر کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے 11 بجے ہم آپ کو ٹائم دیں گے تو 11 بجے اس کو ٹائم ملنا چاہیے نہیں تو آپ اس سے صاف طور پر کہیے کہ آپ کو رات کے 1 بجے ٹائم ملے گا میں 1 بجے بھی بولنے کے لیے تیار ہوں پھر مجھ سے کہا گیا نہیں صاحب 12 بجے ٹائم دے دیں
लोग मुझे सुनने आते हैं और मेरे ही वजह से लोगों की अगर भीड़ बढ़ती है और मुझी को रात के 2 बजे लाकर आप आएंगे। मैं जानता हूं इशारे इशारों में लोग कौन कौन सी बातें बोलते हैं और उन बातें किसकी ऊपर जाती हैं। मैं कोई भूत पीता बच्चा नहीं हूं, ये सारी बातें जानता हूं मैं। अगर आपके पास इतना ही इल्म है और इल्म के बेताज बादशाह है तो मेरी तकदीर के पास पब्लिक को रोकने की खूबी भी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर आप क्यों नहीं रोक लेते हैं छुट्टी मिले हमें? हम चाहते हैं रात को 9 बजे हमें टाइम मिले और 11 बजे हम भी बोल दें और गैर मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा सुनाएं। और आप इल्म के बहुत बड़े समंदर हैं, आप मदनी मदीना से पढ़ के निकले हैं, आप अजहर से पढ़ के आए हैं, आप नदवा से पढ़ के आए हैं, आप सल्फिया से पढ़ के आए हैं, हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। आप पूरी रात फसल कर मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो, आधे घंटे का टाइम दे दो, लेकिन मेरे बात में क्या हो जाता? आप क्यों नहीं बोलते? मेरे बात आप बोलिए, सजग कर बोलिए, हमारे खिलाफ बोलिए। और मुझे मालूम है कि मेरे जाने के बाद जो मेरे ऊपर मेरे बात जो बोलेंगे वो भड़केंगे मेरे ऊपर। मुझे मालूम है कि वो मेरे खिलाफ पकड़ी रही होगी। मैं ये सारी बातें 12 साल के तजुर्बे से सीख चुका हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन मैं अभी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि मैं अपनी फैमिली को लेकर आया हूँ, किस पोजिशन में कहा छोड़ के आया हूँ, मैं उसको क्या बोल के आया हूँ, मैं उसको लेके क्यों चला हूँ, कहाँ उसका इलाज कर रहा है। आपको एक देखना है, हमें कल की चिंता करना है, उससे पहले उसके डॉक्टर को भी दिखाना है, उससे पहले मुझे होटल भी छोड़ना है, उससे पहले मुझे जनता कमेटी जहाँ है उनको अपने पास बुलाना भी है। मेरे सामने भी 30 के प्रोग्राम रहते हैं और हम उनको सब सेटअप करके चलते हैं। मैं बोल के आया कि 1 बजे 1.5 बजे में चला आऊंगा, अब 1 बजे 1.5 बजे आप हमें टाइम दे रहे हैं। आप यही कह देते कि 1 बजे टाइम देंगे, हम अपने हिसाब से निकलते, सारे काम हम अपने कर लेते, हमें भी पढ़ने लिखने की कुछ फुर्सत मिल जाती। लेकिन बहुत अच्छी बात है, कौन आप नहीं कर रहे हैं और यहाँ आने के बाद आप निकाल दिए चंदा, फिर भी तकलीफें चालू हैं, फिर भी चल रही, उससे पहले आपने क्यों नहीं निकलाया? आपका मेन काम है चंदे का। आज अल्लाह की सरजमीन पर मैं जानता हूँ मुझे कोई इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मुझे किराया मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तकलीफ खत्म करूंगा, अपनी गाड़ी पर बैठूंगा और सीधे चल दूंगा। लेकिन आज आप सुन लीजिए, बरतल्ला के इर्द गिर्द के जितने भी लोग आए हुए हैं, अब मैं एक उसूल बना रहा हूँ आपके पास। रात के 12 बजे के बीच अगर मुझे कहीं पर भी टाइम मिलेगा, मैं इस जगह से चुपके से भाग जाऊंगा। मैं नहीं रुकूंगा, किसी भी जीव जीव नहीं रुकूंगा। 12 से 2 तक मेरी तकलीफ होगी, 12 से पहले किसको निपटाना हो निपटाए, 12 से बाद नहीं बोलूंगा। जो कोई तरीका नहीं है कि मैं ही रात के 12 बजे के बाद मरूं, मुझसे पहले जितने आए मेरे ऊपर बोल जाए, भाग जाए, जाके सो जाए और उसके बाद वो ये भी ना सुने कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ठेका नहीं लिया है तो मेरे बाद किसी मौलवी को लोग सुनते हैं या नहीं सुनते, मैं ही बोलूँ। रात के 12 बजे के बाद अगर मुझे कहीं कोई टाइम मिलेगा, मैं उस जगह से भाग जाऊंगा, चुप्पे से भाग जाऊंगा, डेस्क उठाऊंगा और भाग जाऊंगा। हमें 65 पहले के भागना पड़ेगा, 65 पहले लेकिन इससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन आज के बाद आप लोग सुन लीजिए तो मैंने अपने उसूल मुझे बदलना है और इसके जिम्मे जहां से बदलना की अभाव होगी मुझे इससे कोई बदलना नहीं है। मैं जहनी टेंशन में हूँ, मैं जहनी टेंशन में हूँ, मेरे दिमागी टेंशन है। मैं किस पोजिशन में हूँ, किस पोजिशन में आया हूँ और आप हमारे को हाथ उठा रहे हैं, आप हमारे साथ कुछ कर रहे हैं, आप किस तरीके से बोल रहे हैं। अगर मैं लौट नहीं आता तो अगर झगड़ा हो रहा हूँ तो चलिए बातें मैंने जो कहना थी वो मैं कह गया। आगे तो बहुत कुछ, अगर मैं इसी के ऊपर बोलता तो पूरी 3 घंटे 2 घंटे मैं इसी पर बोल सकता था। लेकिन सुन लीजिए आप, मैं अपनी कम इल्मी का एतराज करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि जहाँ मौलवी जगीर नहीं रहेगा तो ऐसी बात नहीं है कि वहां जलसा भी नहीं होगा। मौलवी जगीर इतना बड़ा मौलवी नहीं है, इतने बड़े बड़े मौलवी हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर खड़े हुए हैं कि मैं उनके पैरों में लगी हुई धूल और उनके पैरों में लगी हुई मिट्टी के मुकाबले में नहीं हूँ। जहाँ तुम कहना चाहते हो तो मैंने अपनी जबान से कह दिया। अभी करीब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नील हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे बगैर भी चलते होते रहते हैं, आप मेरे बगैर भी चलता कराइए। हमारी दुआएं हैं, हमारी दुआएं हैं अगले बेटे के साथ, हमारी दुआएं हैं हमारे के साथ। अल्लाह आपके मदरसे को दिन भूमि रासूल को अता फरमाए। लेकिन आप हमारे पक्के रहिए, आप खामोश रहिए। मैंने पूरे आदमी के खिलाफ
पानी लाइए थोड़ी दो गिलास की डाली ऐसी गई मैंने पूरे आंसर की तलावत की हटा दो पब्लिक की भी कुछ बात मारो हटा दो हटा दो खड़ा होकर सुन लो حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مشہور مفسر قرآن ہے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل نہیں کیا ہوتا صرف ایک یہی سورت نازل کر دی ہوتی یہی سورت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی ہوتی تو انسان کی زندگی میں عمل کرنے کے لیے یہی ایک سورت کافی ہوتی عبداللہ کے پاس فرماتے ہیں صرف یہی ایک صورت اگر اللہ نے اتاری ہوتی تو یہ پوری صورت کافی والعصر زمانے کی قسم اللہ قسم کھا رہا ہے اور وہ بھی زمانے کی قسم اب یہ ایک الگ موضوع ہے اس موضوع پر اگر میں چلوں گا تو کافی وقت لگ جائے گا اللہ قسم کی قسم اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ قسم کھا قسم تو ہم جیسے لوگوں کو کھانا پڑتی ہے نہیں نہیں ان شاء اللہ میں ضرور آؤں گا آپ کے جلسے میں ارے مولوی صاحب نہیں آئیں گے تو بے عزتی ہو جائے ارے نہیں اللہ کی قسم میں ضرور آؤں گا قسم تو ہمیں اور آپ کو کھانا پڑتی ہے اس لیے کہ سامنے والا ہماری بات کا اقرار یا یقین نہیں یا اس کے دل میں ہی جو درمیانی کیفیت ہے وہ اس کے دل میں آ رہی ہے پتا نہیں ہوگا پائیں گے یا نہیں جائیں گے اگر یہاں سے پیسہ ہم تو اٹھا لیا میں دے رہا ہوں واپس ملے گا یا نہیں ملے گا تب میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو رقم مجھے دی ہے قسم خدا کی میں واپس کر دوں گا اللہ کی قسم میں واپس کر دوں گا ٹھیک ہے ایک ہفتے میں دے دوں ہمیں آپ کو کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ سامنے والا آدمی ہماری بات کا اعتبار یا یقین نہیں کر رہا ہے یا سب لوگ ہوا لیکن اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے مانو یا نہ مانو ساری کائنات کی انسانیت اور ساری کائنات لے کر اگر ایک وقت کی نماز نہ پڑھے تو اللہ کا کیا بگاڑ لے گی اور سب مل کر اگر نمازی اور روزگار بن جائیں تو اللہ رب العالمین کی عزت میں اور اس کی بلندی میں پہنچی رفت اور بڑھ جائے گی جو دولتی کے اس درجے پر ہے جس سے اونچا کوئی درجہ ہے ہی نہیں وہ بلندی کے اس درجے پر ہے کہ اس سے بلند کوئی درجہ ہے ہی نہیں اور سب بے نمازی بن جائیں بے روزگار ہو جائیں کافر ہو جائیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اس کا گھر کیا بگاڑ دے گا پھر اللہ نے قسم کیوں کھائی یہ ایک الگ بات ہے اور قسم دکھانے کے بعد کیا کہا تھا جتنی بھی انسانیت کو تم دیکھ رہے ہو وہ ساری کی ساری انسانیت کا نقصان ہی نقصان رہے ہیں اور اسلوب قرآن دیکھیے اسلوب بیان دیکھیے ان الانسان ان کے کسی پر اچھا نام آ رہا اور ان پر نام حاصل ہے عربی زبان کے جو لوگ وہاں کو بھی روایت کے طریقے سے جانتے ہیں اور مہاراج کی دو بازی خالی آ جاتی ہے انسان ہے مسلمان کمیونسٹوں کے لوگ ہیں ہندو ہو کسی بھی دھرم کے ماننے والے اور ساری انسانیت نقصان میں ہے آگے اللہ نے الگ کیا جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کو مستثنا کر دیا کہ یہ میرے بندے نقصان میں نہیں ہیں وہ کون سے بندے نقصان میں نہیں ہیں
الذين آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے صالح اور نیک عمل کیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے وتواصوا بالحق اور جنہوں نے حق کی وصیت کی ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی صبر اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان کے اوپر انہوں نے صبر کیا صبر کی تلقین کی صبر کی وصیت کی آج میں سامنے نہیں ہے ایمان اور عمل صالح اور حق اور صبر یہ چار چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیش کیا ان کاموں پر عمل کرنے والے ان چیزوں کو ماننے والے لوگ نقصان میں نہیں ہیں خسارے میں نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی انسانیت ہے اللہ رب العالمین نے خسارے میں کہا اور خسارے میں کہنے سے پہلے یہ سوال ہے کہ کمانے کی قسم یا گھمانے کی قسم اللہ نے کیوں اٹھائی کبھی فجر کی قسم اٹھائی کبھی رمضان کی قسم اٹھائی کبھی سورج کی قسم اٹھائی کبھی رات کی قسم اٹھائی نہیں کبھی دن کی اور جانے کی قسم اٹھائی کبھی سمندر کی قدم کھائی ہے کبھی اس نے آگ کی قدم کھائی تو کبھی ناشتے کے وقت کی قدم کھائی اس نے قسمیں کھائی لیکن یہاں زمانے کی قدم کھائی امام راضی فرماتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں ایک برف بیچنے والا گرمیوں کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا برف بیچنے والے برف کی سلی لگا لیتے ہیں اور برف بیچتے ہیں وہ برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا اور برف کی سلی لگا رہا تھا ایک روپے کلو ایک روپے کلو ایک روپے کلو میں نماز کے گھر کی نماز کے لیے نکلا میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا برف کی قیمت کو کر چکا اور آدھی قیمت کر چکا آدھی قیمت کر چکا پچاس کلو پچاس کلو کہتے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو دیکھ لو اور پچیس روپئے کلو پچیس پیسے کلو سستے بھی بکے لیکن بالکل جائے کم سے کم گھومنے تو نہ پائے کچھ تو پیسہ ملتے ہیں کچھ تو میرے کو نہ پایا ہے اس آدمی نماز پڑھنے کے لیے تو تیرا کا مغرب کا نماز میری نے لے لو امام راضی کہتے ہیں صبح پرت کی میں ایک روپے تھی اثر میں پچاس پیسے تھی مگر اس نے پچیس روپے دی اور ایسا میں پھر وہ کہتے ہیں کہ سونے کی عادت تھی قرآن میں لگا اور میری جاتا گھنٹا جاتا قیمت بھی کم ہو جاتی اس کی قیمت اس کی ویلو گھٹتی جاتی ایسے ہی انسان آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی زندگی بھی بگلتی جا رہی ہے اس کی زندگی بھی کم ہوتی جا رہی ہے یہ بڑے نہیں ہو رہے ہو جہنم کے قریب ہو رہے ہو تو یہ چیزیں جنت یا جہنم اگر میں گما کرتا ہوں تو اپنی جنت کی پری ہری اور برا کرتا ہوں تو اپنی جہنم کی پری ہری تم ان دونوں کے دل ایک چیز کے قریب ہو رہے ہو کتنے بے غیرت اور نالائق ہیں وہ لوگ جو گھروں میں اپنے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں کیک لائے کاٹ رہے برتھ ڈے ٹو یو آج میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا آج میرا بیٹا 12 سال کا ہو گیا برتھ ڈے کیک کاٹ رہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو خوشی منا رہے کہ آج میرا بیٹا 20 سال کا ہوگا تیرا بیٹا 15 سال کا 16 سال کا 18 سال 19 سال 20 سال کا ہو گیا تو خوشیاں منا رہا ہے برتھ ڈے منا رہا ہے حالانکہ تو ہر ہی دل میں درندیسی کے ساتھ بول کر اپنی عقل میں تھوڑا سا یہ کیڑا دوڑا کر غور کر کہ تیرا بیٹا 20 سال کا نہیں ہوا بلکہ اللہ کی طرف جگہ ہوا 30 سال کی عمر لے کے آیا ہے وہ تیرا بیٹا
60 साल का और मोहताज रह गया है, 60 साल की उम्र उसकी रह गई है। हकीकत में तेरा बेटा बड़ा नहीं हुआ है, बल्कि वो छोटा हो गया है। वो बाप अपना बेटा रह रहा है, तो अपने बेटे की उम्र कम होने को खुशियां मना रहा है और घरे मना रहा है, ये बेटा बड़ा है। उम्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है लोगों की। इमाम कायनात को फरमाते हैं, लोगों तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तो नेकियों में आगे बढ़ो। हमें क्या अगर अल्लाह ने तुम्हें अमीरी दी है, अगर तुम्हें करोड़ दी है, अल्लाह ने तुम्हें पैसा और सोने का मालिक बनाया है, तो तुम गरीबी का इंतजार न करो। ऐसी फकीरी जो तुम्हें सब कुछ बुला दे, क्योंकि हमने तख्त और ताज के मालिकों को तख्तों पे लटकते हुए देखा है, फांसी के फंदों पे लटकते हुए देखा है। मिस्टर सद्दाम साहब का मामला हमारे और आपके सबके सामने होना चाहिए। बड़े बड़े लोग जो तख्त ताज के मालिक थे, कब फांसी के फंदों पे लटक गए। इल्ला फकरम मुनसिया, अगर अमीर हो तो गरीबी का इंतजार न करो। और अगर अल्लाह ने तुम्हें फकीरी दी है, गरीबी दी है, तो तुम अमीरी का इंतजार न करो, क्योंकि अमीरी कभी कभी इंसान को सरकश बना देती है, सरकश बना देती है अमीरी। एक आदमी गरीब था, उसने छोटा सा बिजनेस डाला, प्रॉफिट हुई, बिजनेस आगे बढ़ा और प्रॉफिट हुई, बिजनेस और आगे बढ़ाया और प्रॉफिट हुई, फैक्ट्रियों का मालिक बन गया, सोने चांदी का मालिक बन गया। आज ऑफिस में बैठा है, सिगरेट उसके मुंह में है, कश लगा रहा है। हाँ जी, इतने में आजान की आवाज आती है, हैया बेचारा सामने बैठा है, कहने लगा चलिए भाई नमाज पढ़ लीजिए। हाँ ठीक है जी, अरे भाई नमाज पढ़ लीजिए, अच्छी बात नहीं है कि तुम आजान हो रहे हो, यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारा कारोबार बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा है। अच्छा ठीक है, कह रहे हो चल देता हूँ, चलो अभी तक नहीं गया। एक तबलीगी भाई है, कहने लगे उनकी बात मान ली, चल दिया, उठे जा रहा है। जैसे ही उठता है टेलीफोन की घंटी बजती है, हेलो जीजा मैंने चार किलो माल भेज दिया है, पुलिस पीछा कर रही है, जल्दी से माल छुड़ाओ, रिश्वत दो, गुरु को छुड़ा दो, ये दो बोलो और किसी तरीके से माल छुड़ा लो। अल्लाह नमाज पढ़ने जाऊं कि माल छुड़ाऊं? ए तुम चलो बता दे, पढ़ लूंगा नमाज, अब तू जाएगा नमाज पढ़ने। अमीर हो तुम गरीबी का इंतजार न करो, ऐ गरीब लोगों तुम अमीरी का इंतजार न करो। गरीबी तुम्हें मिली हुई हो तो ऐसे अमीरी का इंतजार न करो, दो चीजें। तीसरी चीज, अमरजन मुफ्तिदा, बीमार हो तो तंदुरुस्ती से पहले नेक अमल कर लो, तंदुरुस्त हो तो बीमारी से पहले नेक अमल कर लो। तंदुरुस्ती में नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, तो क्या जब पैर टूट जाएगा, कमर की हड्डी टूट जाएगी, जहेज की भिख मंगनी गाड़ी मोटरसाइकिल से फिसल के गिरोगे, पैर लटका होगा, कच्चा प्लास्टर चढ़ा होगा, हॉस्पिटल में होंगे, अल्लाह की अजान की आवाज आएगी, तब जाओगे नमाज। अब कह रहे हो मौली साहब मस्जिद में दुआ करा दीजिएगा मेरे लिए, अल्लाह के पास अब जाओगे नमाज पढ़ने? आए तंदुरुस्त लोग, बीमारी का इंतजार न करो। औ हरमन मुफन्निदा, और ऐसे बुढ़ापे का इंतजार न करो जो तुम्हारी अकल खराब कर दे। एक तो बुढ़ापा होता है, चलिए आदमी सर्दी में और टकरा रहे बेचारे की, सर्दी लग रही है, चलो अकल तो है उसको। एक बुढ़ापा वो होता है, वुजू खाने पे बैठा, उसको मालूम ही नहीं हाथ धुल रहे हैं कि पैर धुल रहे हैं, 3 से 5 6 मतलब धुलता चला जा रहा है। हाय अल्लाह हू अकबर, मालूम ही नहीं कौन सी दुआ कब पढ़ना है। सुभान रब्बी अलआला, सुभान रब्बी अलआला, सज्दे में क्या पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मगरिब की 3 रकात 7 पढ़ के चला आया, फजर की 2 रकात 4 पढ़ रहा है, सुहर की 4 रकात 2 ही करके भाग गया, अब उसकी अकल काम नहीं कर रही है। अब हरमन मुफन्निदा, मुफन्निदा, जब तेरी अकल खराब हो जाएगी तब तू नमाज पढ़ेगा।
بڑھاپے کا انتظار نہ کرو ایسے والوں, کیا اس بڑھاپے میں تم نماز پڑھو گے, اس بڑھاپے میں تم اللہ کی عبادت کرو گے؟ کیا ہو گیا؟ ارے وہ باکس کے آس پاس آدمی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس لیے آواز نہیں آ رہی, لوگ وہاں سے ہٹ جائیں نا باکس کے پاس. آپ لوگ تھوڑا سنیے, جس طرح سن سکتے ہو سنیے, ابھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. یار آواز تو اچھی خاصی آ رہی ہے, پتہ نہیں کیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں. بھائی ان لوگوں کی شکایت جو ہے تھوڑا سا ساؤنڈ کے پاس ہٹ جائیے آپ, کر دیجیے آپ. کیا پریشانی ہے؟ ساؤنڈ ہی میں سے کہہ رہا ہے آواز نہیں نکل رہی ہے. چلیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, آپ تھوڑا سا سنیے, آپ ادھر دیکھیں. چلے چلے وہ اپنا کام کر رہے ہیں آپ. ہر من مفنتا تو کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار؟ مروا کی تیاری کرو. ان لوگوں نے کہا اب میرا ارادہ سفر کا بدل گیا ہے, اب پیرس کے بجائے ہم کو عمرے کے لیے جانا ہو اور گھر سے بھی نہیں جانا ہے, کیونکہ گھر والوں سے یہ کہہ کر آیا ہوں کہ 30 دن کے بعد میں واپس آؤں گا. ان دونوں عالموں نے سعودی امبیسی جا کر ان کا ویزا لگوا دیا, عمرے کا ویزا لگ گیا. ٹکٹ ان لوگوں نے لیا. یہی دونوں نوجوان کون سے ایئرپورٹ پر ہیں؟ سعودین انڈین ایئر لائنس پکڑتے ہیں اور انڈین ایئر لائنس سے وہ سعودیہ کی سرزمین کا سفر کرتے ہیں. ان کی فلائٹ جدہ ایئرپورٹ پہ اترتی ہے, وہاں سے گاڑی ان کو لے جاتی ہے. احرام باندھے ہوئے ہیں, کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں, لبیک العمرہ عمرے کی نیت کرتے ہیں, تلبیہ پکارتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ لبیک کا معنی کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے حاجی جب جاتا ہے حج کے میدان میں تو اپنے لبیک کیوں کہتا ہے؟ لبیک کا معنی اے اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں تیرے دربار میں, میں حاضر ہوں. کبھی ہم نے غور کیا ہے یہ حاضر ہوں حاضر ہوں کیوں کہتا ہے؟ کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ میرا بندہ حاضر ہے. وہ یہ کیوں کہتا ہے میدان حج میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے کیوں کہتا ہے؟ وہ آفات کے میدان میں وہ یہ کیوں کہتا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں, لبیک لبیک اللہم لبیک, یہ جملے وہ کیوں نکالتا ہے؟ گورنمنٹ بھی چھوٹ دیتی ہے کرمنلوں کو, گنڈوں کو چھوٹ دیتی ہے,
गिरिंदलों को गुंडों को छूट देती है, पुलिस जिनको पकड़ नहीं पाती है, पुलिस जिनको पकड़ने में नाकाम रहती है। मैं मना कर रहा हूँ कि मत लगाओ उसको, एक काफी है ना, खुद ये काफी है। अभी लगेगा हाथ पता नहीं कहाँ जाएगा, वैसे मूड ठीक नहीं आज। एक में आवाज आ रही है, कभी कभी दो में आवाज गड़बड़ होती है, इधर करो तो उधर की आवाज नहीं, उधर करो उधर की आवाज। हमेशा वो सिस्टम करना चाहिए कि एक ही माइक हो और पूरी जगह वो। कल मैंने राजग्राम के अंदर देखा है, राजग्राम बंगाल का इलाका पड़ता है आपका, ज्यादा दूर नहीं है आपके इलाके से राजग्राम। इतना बेहतरीन उनका माइक सिस्टम था, इतना बेहतरीन माइक सिस्टम था उनका, बहुत जबरदस्त। हमको रात के 1 बजे अकल आती है, एक माइक लगना चाहिए कि 2 बजे, 2 लगना चाहिए। चंदा हो गया एक माइक से, तकलीर होगी 2 माइक, जबकि चंदा जरूरी था, मदरसा उसी से चलता है, वो ज्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन वो एक माइक से हो गया, तकलीर 2 माइक। गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट भी मोहलत देती है जिनको पुलिस पकड़ नहीं पाती, जिनको पुलिस पकड़ नहीं पाती, गवर्नमेंट थक जाती है, क्या कहती है, कोर्ट अदालत, आत्मसमर्पण कर दो, अपने आप को हाजिर कर दो, सजा में कमी कर दी जाएगी, तुमको जिंदगी गुजारने का एक और मौका दिया जाएगा। तो जो क्रिमिनल पेपरों में जब ये बात पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि उनकी जिंदगी बख्श दी जाएगी और सुधरने का एक चांस दिया जाएगा, तो जो बेचारे सुधरना चाहते हैं वो कोर्ट में आकर आत्मसमर्पण कर देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, और कोर्ट भी अपना वादा करती है और उनको मोहलत दे देती है कुछ दिन सजा देने के बाद, जाओ अब तुम सुधर जाओ, एक चांस तुम्हें दिया जा रहा है। ऐसे ही हम और आप यहाँ जितने गुनाह करते हैं और उन गुनाहों की सजा हमें और आपको नहीं मिल पाती है, हमारे बाप को भी पता नहीं चल पाता है कि हमने कितनी शराब पी है, कितना जुआ खेला है, हमारी बीवी को भी पता नहीं चल पाता है। हम इमाम हैं, अपने यहाँ नमाजें पढ़ा रहे हैं, हमारे मोहल्ले वालों को और हमारे मुसल्लीन को नहीं मालूम है हम रात में शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं, किसी लड़की के साथ हमारे घर ताल्लुकात है या नहीं मालूम है। लेकिन अल्लाह मोहलत देता है, मेरे बंदो आओ मेरे दरबार में, अपने आप को समर्पण कर दो, आत्मसमर्पण करो, हम तुम्हें भी मौका देते हैं माफ कर देने का, तुम्हें नई जिंदगी गुजारने का। ये आदमी जो दुनिया की निगाहों में बच गया है, बाप की निगाहों में, बीवी की निगाहों में, नमाजियों की निगाहों में बच गया है और गुनाह करता रहा, आज वो अल्लाह के दरबार में खड़ा है, अरफात के मैदान में खड़ा है, कह रहा है लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ तेरे दरबार में हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है, मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया है, ऐ अल्लाह देख मेरे जिस्म पर सिला हुआ कपड़ा नहीं है, ऐ अल्लाह कैसे पैदा हुआ था माँ के पेट से बहता ही हूँ, सिर्फ शर्मगाह से एक कपड़ा लपेट लिया है, अपने कांधे पर एक कपड़ा डाल लिया है, ये बिना सिला हुआ कपड़ा है, सर पे टोपी भी नहीं है मेरे नंगे सर है, इसलिए कि पैदा हुआ था तू नंगा ही आया था, नंगे सर था। मेरे भाइयों इकरार कर रहा है, कहना मैं अपने गुनाहों को कबूल करता हूँ, अपने जराइम को कबूल करता हूँ, और मैंने तेरे दरबार में आकर अपने आप को तेरे हवाले कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इन दोनों जवानों ने भी उमरा कर किया, काबतुल्लाह का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर दो नमाज और रकअत नमाज पढ़ी, सफा मरवा के चक्कर लगाए, सर के बाल खिलाए, फिर 15-20 दिन वो उसी खाने काबा में रहे, मस्जिद नबी या काबतुल्लाह, मस्जिद नबी या काबतुल्लाह, मदीना में या मक्के में दुआएं की, रो रो कर उन्होंने अपने आंखों से आंसू बहाए, अपने गुनाहों की माफी मांगी, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए, तौबा की और पाक साफ हो गए, और फिर वो वहां से अपने घर की तरफ वापसी करते हैं। उनको बस के जरिए एयरपोर्ट पे पहुंचा दिया जाता है, जब एयरपोर्ट पर वो अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, वहां से वो बोर्डिंग पास लेते हैं, उनका सामान एरोप्लेन में भेज दिया जाता है, जैसी अनाउंसमेंट होता है कि एयर इंडिया बॉम्बे जाने वाली उड़ान के लिए तैयार है, मुसाफिरीन फौरन जहाज की तरफ प्रस्थान करें, आगे बढ़े। ये दोनों नौजवान जब एयरपोर्ट पर जहाज के अंदर बैठे हुए हैं, टाइम पूरा होता है और एयर इंडिया की ये एयरलाइन अपने टाइम के ऊपर छूटती है, उसने रनवे पर अच्छी खासी दौड़ लगाई, लेकिन दौड़ के दौरान उसका अगला पहिया निकल जाता है और
जहाज नीचे से आगे से नीचे की तरफ झुकता है, जहाज में ऑटोमेटिक आग लगती है, सारे मुसाफिरीन एयर इंडिया की इस जहाज में जलकर राख हो जाते हैं। उनमें ये दोनों नौजवान भी जल गए, राख हो गए, इनकी हड्डियों का भी पता नहीं चला। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि ये दोनों नौजवान मर गए, मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि इन दोनों नौजवानों का सफर पेरिस की सरजमीन के बजाय काबतुल्लाह की सरजमीन का हो गया था। अगर ये एयर इंडिया से या अमेरिका जहाज से अगर पेरिस की सरजमीन पर जाते और वहां उनका जहाज अगर रनवे पर फिसलता तो गुनाहों की चादर में लिपटे होते, अय्याशी की चादर में लिपटे होते, तो अपने रब को क्या मुंह दिखाते, अपने रब के पास वो क्या क्या मुंह लेकर जाते, क्या जवाब देते। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने गुनाहों से तौबा की, उमरा उन्होंने मुकम्मल किया और उमरा मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क की तरफ लौटे तो उनका इंतकाल हो गया। बाप ने जब ये खबर सुनी तो बाप की फितरी तौर पर आंसू तो आए, लेकिन जब ये सुना कि मेरा बेटा उमरा करने गया था और वहां से इंतकाल कर गया तो बाप की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। उसकी बीवी आज भी बेवा है, आज भी वो दूसरा निकाह नहीं करती है बॉम्बे की सरजमीन पर, इसलिए कि वो कहती है कि मेरा बिगड़ा हुआ शौहर अल्लाह ने उसको सुधार दिया बैन मौके पर और मैं अब जन्नत में भी उसी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं दूसरा निकाह क्यों करूँ। वो दूसरा निकाह भी नहीं करती है, आज तक वो इसी बात पर बैठी हुई है सोचकर कि इंशाअल्लाह मैं भी नमाज पढ़ूंगी, रोजे रखूंगी, पाबंदी करूंगी, शायद अल्लाह मेरे मरने के बाद मुझे भी मेरे शौहर के साथ जन्नत नसीब करे। और मौतन मुझे हिसाब या अचानक मौत कब आ जाए पता नहीं, हम शराब पी रहे हो सकता मौत आ जाए, हम जुआ खेलना हो सकता मौत आ जाए, हम आपके प्रोग्राम से हो सकता है पाकुर तक न जा पाए, क्या लाख प्यारे हो जाए। मौत का कोई भरोसा नहीं है, आदमी सोता रहता है और सुबह पता नहीं उसको कितने लिखा जाता है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्ने उमर इजाज बहता फला तंतजरिल मता, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न किया कर और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न किया कर, पता नहीं कि कल तुझे जिंदों में लिखा जाए या मुर्दों में। तो पांच चीजें हो गई, सात चीजों के आने से पहले नेक अमल कर लो, ये पांचवी चीज। और छठी चीज क्या है, अभी दज्जाल, दज्जाल के उरूज से पहले नेक अमल कर लो, और सातवीं चीज कयामत से पहले नेक अमल कर लो, यानी कयामत का इंतजार मत करो। ये सात चीजें हो गई है ना, फिर से कह लो, आए अमीरो गरीबी का इंतजार न करो, आए गरीबो अमीरी का इंतजार न करो, दो तंदुरुस्त लोगो बीमारी का इंतजार न करो उससे पहले नेक अमल कर लो, तीन आए जवानों अकल खराब कर देने वाले बुढ़ापे से पहले नेक अमल कर लो, चार आए जिंदा लोगों अचानक आ जाने वाली मौत से पहले नेक अमल कर लो, आठ दज्जाल से पहले नेक अमल कर लो है और कयामत के दिन से पहले नेक अमल कर लो। आज से आपको कितनी हमदर्दी है मेरी, और कहीं मेरी जगह पर आपका सगा भाई होता तो आप क्या करते, अंदाजा लगा लो ये मोहब्बत, ये हमदर्दी, ये मोहब्बत हमदर्दी का अंदाजा लगा लो, लेकिन कयामत के दिन क्या होगा। ये भाई खड़ा है, ये बेटा खड़ा है, ये बीवी खड़ी है, ये माँ खड़ी है, ये बेटे खड़े हैं, يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه। قران تو دیکھو يوم يفر المرء من اخيه, آدمی اس کی نیکیاں تولی جا رہی ہیں, نام اعمال تولے جا رہے ہیں, اعمال نام تقسیم ہو رہے ہیں, نیکیاں تولی جا رہی ہیں, برائیاں تولی جا رہی ہیں, आदमी भाग रहा है, यौमा यफिर्रुल मरु मिन अखी, वो अपने भाई से भागेगा, वो अपने भाई से भागेगा, आज भाई भाई के लिए जान दे देता है, तूने मेरे भाई पर आग कैसे उठाई, तूने गाली कैसे दी, आज जो भाई अपने सगे भाई के लिए जान दे देता है,
قیامت کے دن یہ سگا بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. ہم نہیں کہہ رہے قرآن کہہ رہا یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی سے بھائی بھاگے گا, آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. اللہ میری نیکیاں تولی جا رہی ہیں کہیں میرا بھائی نیکی نہ مانگ بیٹھے, ہم کہاں سے لائیں گے. ابھی وہ امی ہی وہ اپنے باپ سے بھی بھاگے گا اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا کہ میرا باپ میری ماں کو ہی نیکی نہ مانگ بیٹھے. وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا بھاگے گا کہیں میری بیوی مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. وہ بنی ہی اپنی اولاد کو لے کے بھاگے گا کہیں میری اولاد مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. یہ منظر ہوگا, یہ منظر آگے چلیے خسارے میں ہیں وہ لوگ. وہ باپ کتنا بڑا بے وقوف ہے, غیر عقل مند ہے جو اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منا رہا ہے. برتھ ڈے کہ بے وقوف باپ مایاوتی کا برتھ ڈے ابھی تک بنتا, 55 سال کی بڈھی ہو گئی تب بھی جنم دن مناتے. لالو بھی مناتے, ملائم سنگھ 65 سال کا لیکن جنم دن من رہا ہے. اب تو رہ کتنے دن کا رہا ہے, جنم دن من رہا ہے, برتھ ڈے ٹو یو کیک کاٹا جاتا ہے, ہیپی برتھ ڈے, پتہ نہیں کیا کارنامہ انجام دیا. عمر کی بڑھوتری پر جنم دن نہیں منتا ہے بلکہ نیکا مال پہ بننا چاہیے, نیکا مال پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنے نیکا مال کیے ہیں. صحابہ کرام یہ گنا کرتے تھے کہ میں نے کتنے قرآن پڑھے, ہمارے بزرگ ہمارے اخلاق گنا کرتے تھے. ان کی بہن بیماری کے موقع پر آتی ہیں, کہتی ہیں کہ بھائی کیوں رو رہے ہو. بھائی نے پوچھا بہن کیوں رو رہی ہو, کہا تمہاری بیماری کی حالت دیکھ کر رو رہی ہوں, اس بیماری میں کوئی بچتا نہیں ہے, کیوں نہ رو. ہنستے ہوئے کہتے ہیں آئے میری بہن تیرا بھائی تھرڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کی طرف جا رہا ہے, تیسرے درجے کی زندگی سے کراس کر کے پہلی زندگی میں جا رہا ہے, اسٹینڈرڈ زندگی میں جا رہا ہے. کہا میری بہن کہہ رہی ہے میرے بھائی تمہیں کیسے معلوم کہ تم جنت میں جاؤ گی. بھائی کتنا خوش ہے, کہہ رہا ہے یقین تو یہ تو نہیں معلوم کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں, میں کہہ تو نہیں سکتا ہوں لیکن اللہ سے امید ضرور لگا سکتا ہوں کہ اللہ مجھے انشاءاللہ جنت ضرور دے گا. بہن نے کہا کس خوشی میں, کہا میری پیاری بہن جس کونے میں تم بیٹھ کر رو رہی ہو اس کونے کے اندر میں نے 4000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی, اس کونے میں میں نے 4000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے. یہ واقعہ کوئی مولوی زکریا جیسا مولوی نہیں لکھا ہے, مولوی الیاس جیسا مولوی نہیں لکھا ہے, مولوی جرجیت جیسے مولوی نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا ہے. یہ واقعہ علامہ ابن قیم جیسے بڑے پائیدار محقق نے اپنی کتاب صفت الصفا میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ کے لکھا ہے. کہا کہ میری بہن تم غم نہ کرو, تم فکر نہ کرو, میں نے گھر کے کونے میں 4000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے, لہذا میں نے رب کی سب سے اونچی کتاب کی تلاوت کی ہے, تو رب بھی مجھے سب سے اونچی جگہ رہنے کے لیے ضرور دے گا انشاءاللہ. نوجوانوں کیا تم کہہ سکتے ہو اپنی موت کے وقت کہ اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی, میں نے اتنے روزے رکھے, میں نے اتنے قرآن کی تلاوتیں کی, کیا ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات, کیا ہم اور آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. ذرا تصور کیجیے ایک تابعی کا واقعہ, صحابی کا نہیں تابعی کا واقعہ ہے. ان کی عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے, مہمانوں کو مہمان نوازی کر رہے ہیں کھلانے پلانے میں, وہ جلدی سے مسجد کی طرف بھاگتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نماز ہو گئی, وہ دوسری مسجد میں جاتے ہیں شاید جماعت مل جائے, ادھر بھی جماعت ہو گئی, وہ تیسری مسجد میں جاتے ہیں کہ جماعت مل جائے لیکن ادھر بھی ہو گئی, شہر کی ساری مسجدوں میں جماعت ہو گئی, لوٹ کے گھر چلے آئے, وہ جو بناتے ہیں اور عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھتے ہیں, 27 مرتبہ پڑھتے ہیں. ان کی بیوی نے کہا یہ کیا بات ہے, کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ملتا ہے, اس لیے میں نے سوچا جماعت چھوٹ گئی تو اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھوں تاکہ جماعت کا ثواب مل جائے. میرے بھائیو اس کے بعد وہ رات میں سو رہے ہیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے جتنے دوست ہیں گھوڑے پر دوڑ رہے ہیں اور میرے پاس سب سے اچھا گھوڑا ہے,
मैं भी दौड़ रहा हूँ, लेकिन सारे कमजोर घोड़े हमारे घोड़े से आगे निकल गए। मैं बार बार मार रहा हूँ, लेकिन घोड़ा मेरा पीछे ही आगे बढ़ता नहीं। और मेरे दोस्त कमजोर घोड़ों पर बैठे पीछे मुड़ के कहते हैं, आए मेरे दोस्त अब्दुल्ला, आए अल्लाह के बंदे, तू अपने घोड़े को इतना न मार, एड़ न लगा, तू अपने घोड़े को बार बार धर्म न लगा, तू हमसे आगे नहीं निकल सकता है, तू पीछे ही रहेगा। अब्दुल्ला कहते मैंने पूछा क्यों, मैं पीछे क्यों रहूंगा, तुम आगे क्यों, मेरा घोड़ा तो तुमसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। उन लोगों ने कहा, आए अब्दुल्ला, तुम्हारा घोड़ा पीछे इसलिए रहेगा, तुम हमसे पीछे इसलिए रहोगे क्योंकि ईशा की नमाज हमने जमात के साथ पढ़ी है और तुमने जमात के साथ नहीं पढ़ी। यानी 27 मरतबा नमाज पढ़ने के बावजूद भी उनको वो मकाम नहीं मिला, वो दर्जा नहीं मिला जो जमात के साथ नमाज पढ़ने का है। मेरे भाइयों, ये वाकया भी अल्लामा इब्न कय्यिम ने सिफतुस सफवा में और तारीख खतीब के अंदर खतीब बगदादी ने नकल किया है। इस वाक्य से अंदाजा लगा सकते हो कि वो लोग कितने ज्यादा अमल को गिना करते थे। वो ईशा की जमात छूट जाए या कोई भी नमाज छूट जाए तो 27 बार पढ़ते थे ताकि जमात का सवाब मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद कैसी उन्होंने बातें बयान की हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ हैं और किस जगह हैं और क्या बताएं। 12 साल 13 साल एक मुद्दत होती है, कितना बताया जाता है, कितना बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल जब बाजो नसीहत किया करते थे तो सहाबा के सरों पर मक्खी बैठा करती थी, वो भी नहीं उड़ाया करते थे कि कोई कीमती बात न छूट जाए। यहाँ तो हमारा हाल वो है कि कुत्ते की तुम जैसे टेढ़ी रहती है, उसको सीधा करने के लिए 12 साल लगा दो, 100 साल लगा दो, लेकिन वो सीधी नहीं होती है। हमारी आदत भी वही है कि हम कुत्ते की तुम कितना टेढ़े रहेंगे, हम सीधे नहीं होंगे। मौलवी साहब तुम क्या हो, हक्कानी जैसे आलिम आते हैं समझाते हैं, हमने उन बुजुर्गों की नहीं मानी, तुम तो कल के लौंडे हो, तुम तो कल के छोड़ रहे हो, तुम्हारी क्या मानेंगे। हमने वही एक पुराना अलाव करके गाया है, हमने वही पुरानी खुर अपनाई है। बंबई का आदमी कहां से कहां पहुंच गया है, बंबई का आदमी कहां पहुंच गया है, दिल्ली का अहले हदीस इतनी तरक्की कर गया है कि अब तो वो देवबंदियों और बरेलवियों की मस्जिदों को फर्जी अहले हदीस का इमाम रखने लगा है, क्योंकि वहां दावत तो तबलीग ऐसी हुई है कि उन लोगों ने अहले हदीस मतलब कबूल कर लिया है और वहां उन लोगों ने 200 नौजवान अहले हदीस हो गए। उन्होंने कभी इमाम रखा जाएगा तो अहले हदीस, तलावी पढ़ाने वाला रखा जाएगा तो अहले हदीस, हम दौलत वाले पैसे वाले पर ना इमाम का चंदा नहीं करेंगे। आज उनकी मस्जिदों में इमाम रखा जा रहा है तो हमारा रखा जा रहा है। एक हम है कि हम किसी एक को भी अहले हदीस नहीं बना सके, किसी एक का भी मसलक नहीं छुड़ा सके। 12 साल से आ रहे हैं, बॉम्बे की धरती देखो, डॉक्टर साकिर नाइक 10 मिनट बोलते हैं, 15 मिनट बोलते हैं, आधा घंटा बोलते हैं, 100 आदमी इस्लाम लाता है, 110 आदमी उन्हीं के स्टेज पर उन्हीं के जलसे में इस्लाम कबूल करता है। मौलवी जजीज 12 साल से आ रहा है, एक हिंदू भी इस्लाम कबूल नहीं किया है, एक भी स्टेज से नहीं आया है। हमारी पुर वही की वही है, हमारी चाल वही की वही है। हिंदू तो मुसलमान होना बहुत दूर की बात, एक भी बरेलवी ने अहले हदीस मतलब कबूल नहीं किया। हम वही की वही है, हमारी चाल वही है। मेरे भाइयों, हम नाराज नहीं है तुमसे न बरतल्ला वालों से, हमें नाराज होने का क्या हक है, हम कौन है नाराज होकर हम आज कल चले जाएंगे, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे या तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मेरे भाइयों, मामला इसका नहीं है, मामला यह है कि इसको संजीदगी से सोचें, इसको गौर करें। आपकी सरजमीन पर मैं आ रहा हूँ, जरा डॉक्टर जाकिर नायक को बुलाकर देखो, नहीं आएंगे, नहीं आ सकेंगे। और अगर बुलाने भी चाहोगे तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपया तुम्हें खर्च चाहिए। उनकी पूरी टीम आएगी, उनके सैटेलाइट कैमरे आएंगे, उनकी टीम आएगी, कैमरे लगेंगे और 30 चैनल पर वो तकरीर पूरी दुनिया में दिखाई जाएगी। 20-25 लाख रुपया तुम चंदा कर नहीं सकते हो, इसलिए दावत और तबलीग के लिए उनको बुला नहीं सकते हो। मेरे भाइयों, जो मौलवी तुम्हारे यहाँ रहे हैं, कम से कम उनकी बात तो सुन लो, उनकी बात तो कबूल कर लो, उनको एक्सेप्ट तो कर लो, उनकी बात को तस्लीम तो कर लो। और 12 साल 15 साल का एक रिकॉर्ड होता है, हम दर्रा बराबर भी नहीं बदले। आदमी क्या, एक तो ये होता, चलो हम जाहिल हैं, अब थोड़ी सी चेंजिंग आई, अब थोड़ी सी और आई, अब थोड़ी सी और आई, लेकिन हम देखते हैं कि पहले से ज्यादा तनजुली आ रही है, पहले से ज्यादा सवाल पजीर हो रहे हैं हम। गौर करो कि आज अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले जब मैं जमाल भाई के पास सब पापों की सरजमीन यही हिरनपुर में जमाल भाई के आता, मेरे पास कुछ देर पहले सुबह से एक
फोन आया और उस लड़के ने कहा मुझसे मेरे मोबाइल में उस सुबह के उस लड़के का नंबर भी आया, वो इंटरनेट से बोल रहा था। उसने कहा मौलाना साहब मैं नया अहले हदीस हुआ हूँ, मुझे सही बातें मालूम नहीं हो पा रही है, मुझे किताबों के नाम बताओ, मुझे इंटरनेट पर अपने प्रोग्राम बताओ कि किस वेबसाइट के ऊपर है। हमने उसकी रहनुमाई की, हमने उसको किताबों के नाम बताए। हम ये इसलिए बता रहे हैं आपको कि गौर करो कि दुबई से बैठने वाले को क्या जरूरत है कि वो मुझे फोन करता, इतना पैसा खर्च करता, लेकिन आज वो देखना चाहता है कि सही बात क्या है, सच्चाई किसमें है, सदाकत क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है। हम सुनने के लिए आए, सुनाने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी हालत दूसरी है। हम सुनना तो चाहते हैं लेकिन लोग सुनाने के लिए तैयार नहीं है। हम आए तो है सुनने ही के लिए, लेकिन मांगता तो दूसरे हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये तो हमें और आपको सोचना चाहिए। अगर अगर आवाम किसी की बात पसंद कर रही है और उसकी बात अगर समझ रही है तो मैं कहता हूँ कि उसको टाइम दे दिया जाए, तो ऐतराज क्या है। मुझसे अच्छा अगर कोई बोलने वाला है, मेरे अपने गांव में, मैंने अपने इलाके में मौलाना जलालुद्दीन को बुलाया। लोगों ने कहा जगजीत साहब आपको सुनूंगा, मैंने कहा मुझे तो आप हर वक्त सुनते रहते हैं। मैंने मौलाना जलालुद्दीन को पूरा टाइम दिया और कहा कि बोलो। अरे सब लोगों ने उनको बुलाया है, उनकी हमने बुलाया है, हमें तो लोग सुनते ही रहते हैं, तो लोग आज तुमको सुन लेंगे, हम तो कभी जुमा भी पढ़ा देंगे, कभी इटावा में आकर कभी जलसा भी कर लेंगे। मेरे भाइयों की तसव्वुर करो, ये फराख दिली हमारे और आपके अंदर होनी चाहिए। और आपने एक मिजाज खराब कर रखा है, एक मिजाज खराब ये कर रखा है कि जहां मेरी तस्वीर खत्म हुई आप उड़ गए, आप भाग गए, आप चले गए। अब हमारे पास जो मौलवी आए हैं वो बेचारे किसको सुनाए, वो बेचारे तकरीर किसको करें। इसलिए जब उनको भीड़ नहीं मिलती है तो वो फिर मेरे ऊपर बरसते हैं, वो फिर अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालते हैं। कभी कोई कहता है कि क्या है, गाना ही गाना तो है, कभी कोई कहता आवाज ही आवाज तो है, कभी कोई कहता है कि कहानी है, कभी कोई कहता है कि लो साहब मंत्र पढ़ के चले गए, भजन गा के चले गए, कुरान का सुनाया, हदीस का सुनाई। 15 साल से 12 साल से मैं ये कहता हुआ चला रहा हूँ और सुनता हुआ भी चला रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी का जवाब नहीं दिया है। मैं तकरीरें सुनता हूँ, अल्लाह की कसम हिरनपुर में भी मैंने सुना है, हाँ ये मुस्लिमुद्दीन के जो प्रोग्राम था मैंने उधर भी सुना है, सारे मौलवियों की तकरीरें सुनी है। मुझे ये भी मालूम है कि कितनी बातें मेरे खिलाफ हुई, मैंने उसको भी सुना है, कितने लोगों ने इशारे में मेरे ऊपर बोला, मैंने उसको भी सुना है। बंगला जबान हम जानते नहीं है, हो सकता बंगला में भी कोई मेरे खिलाफ बोल के चला गया हो, लेकिन हमने कभी इस लायक उसको समझा ही नहीं कि मैं इसकी बात का जवाब दूं, इसकी औकात ही क्या है, हम इसको क्यों जिंदा करें, ये तो मरता आदमी है, मरा हुआ आदमी है, हम इसका नाम लेंगे तो ये तो जिंदा होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था किसी को अगर मारना हो तो उसका नाम लेना छोड़ दो, उसको भूल जाओ, उसका जिक्र मत करो, अपने आप वो आदमी मर जाएगा। अरे हम तो तुम्हें इस लायक भी नहीं समझते हैं कि तुम्हारा जवाब दें, तुम्हारा नाम लें, तुम हमारे पीछे पड़े हो। नाम उसका लिया जाता है, रुतबा करने की कोशिश उसको की जाती है जिसके अंदर कुछ होता है। आपने हमारे खिलाफ तकरीर की है, इसका मतलब यह है कि आपने मुझे कुछ माना है। हम तो तुम्हारा नाम तक लेना गवारा नहीं करते, हम तो तुम्हारा नाम तक लेना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि तुमने मुझे माना है माना है, हमने तुम्हें तो कुछ नहीं माना। तुम हो किस खेत की मूली, बाल ठाकुरे की आंखों में आंखें डालकर हमने बात की है, तुम हो किस खेत की मूली। वो बेचारा बिल्ला लगाकर दिखला रहा है, मालूम पड़ता है कि ये शेर है बिल्ली जो इसको देखकर हम भाग जाएंगे। मेरे भाइयों, तेरे जैसे 336 घंटों के साथ हम रोजाना गुजरते हैं, हम तो कफन साथ में लेके घूमते हैं, हम तो अपने घर से कह के आते हैं कि हम जा रहे हैं अल्लाह के भरोसे पर, लौटेंगे या नहीं लौटेंगे ये अल्लाह की मर्जी। तू हमको क्या दिखला रहा है, आंखें दिखला रहा है, यहाँ के तो रोजाना में एक दिन में 336 मरतबा देखते हैं, कभी देवबंदियों की देखते हैं, कभी बरेलवियों की देखते हैं, कभी शियों की देखते हैं, कभी सुन्नियों की देखते हैं, तो कभी नेताओं की देखते हैं। हमने तो वो ऐलान भी अपने खिलाफ चिपका हुआ देखा जिसमें लिखा हुआ है कि मौलवी जगजीत को जो कत्ल कर दे 100 शहीदों का इनाम। हम उसी के इलाके में गए और जाकर मैंने लड़काते हुए कहा तुमने तो एक मच्छर भी नहीं मारा मौलवी जगजीत को, क्या मारोगे। इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जब मौत आएगी तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हें भी कोई नहीं रोक पाएगा। हमारी जमात के सरबुर्दा आलिम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को याद कर लिया करो,
जियाउलहक के खिलाफ बोले, जियाउलहक ने गोली से नहीं हम से उनको उड़वा लिया, शहीद हो गए वो। और आज भी उनको कहां दफन किया गया आपको मालूम है? जन्नतुल बकी के अंदर जहां सहाबाए किराम दफन है, आज उनकी कब्र वहां है। मेरे भाई कुरान हदीस के रास्ते में जो मारा जाता है अल्लाह ताला मरने के बाद भी उसकी मदद करता है, उनकी जीती जागती मिसाल अल्लाह मैदान इलाही की जिंदगी है। आइए मैं दूसरा रुख लेता हूँ, इल्लल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहात, ये लोग नुकसान में नहीं है। कौन लोग नुकसान में नहीं है उनको? इल्लल्लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी डाउन करूंगा, थोड़ा सा चलो, क्योंकि आने वाली बात अब आई, अभी तक तो थोड़ा सा वो बात थी। इल्लल्लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए। अब ईमान किसको कहते हैं और ईमान का तकाजा क्या है? क्या हमारे अंदर ईमान है? इस बात पर हम और आप सब नजर डालें और गौर करें कि हम मोमिन कहलाने के लायक हैं। बहुत ही बुजुर्ग साहबी, बूढ़े साहबी, अपनी उम्र को पहुंच गए, मरने के करीब में, इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। नाम है उनका अबू तलहा अंसारी। कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते उनकी नजर कुरान की शायद के ऊपर गुजरी। इन फिरु खिफाफन व सिकाल व जाहिदू अमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ो, खिफाफन व सिकालन, चाहे जिस हाल में हो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और अपने मालों से लड़ो, अपने जानों और अपने मालों की कुर्बानी दो। बुढ़ापा है, बुजुर्ग हो चुके हैं, अपनी औलाद को इकट्ठा करते कहते हैं कि ओ मेरी औलाद, ओ मेरे बच्चों, मेरे लिए सामान्य जिहाद तैयार करो, घोड़ा तैयार करो, सेन कसो, तलवार मेरे हाथ में दो, ढाल मेरे हाथ में दो, मैं मैदान जंग में निकलूंगा, मैं मैदान जिहाद में निकलूंगा। आह, उनके बच्चे उनसे कहते हैं कि अब्बू जान आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हम जिहाद करने के लिए काफी हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप जिहाद के लिए न निकले, हम जिहाद के लिए जा रहे हैं। फरमाया मेरे बच्चों मुझे जिहाद के लिए जाने दो। बच्चों ने उनके अपने बेटों ने कहा, अरे अब्बू जान आपने पूरी जिंदगी जिहाद में गुजार दी, अल्लाह के रसूल जब जिंदा थे तब आपने उनके साथ जिहाद किया, अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, अबू बकर ने जो जंगे लड़ी आप उनके साथ भी मैदान जिहाद में निकले। अबू बकर का इंतकाल हुआ, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया, आपने उनके साथ मिलकर भी जिहाद किया, हजरत उस्मान के साथ भी जिहाद किया, हजरत अली के साथ भी आपने जिहाद किया। अब आप लागर हो, कमजोर हैं, हड्डियां आपकी जवाब दे चुकी हैं, उठने के लायक नहीं है, अब्बू जान अब आप बेटी हम जिहाद करेंगे। कहने लगे आए अब तेरे बच्चों कुरान की आयत पढ़ो, इन फिरू खिफाफन हर हाल में तुम लड़ो, बे अमवालिकुम वन व जाहिदू बे अमवालिकुम वन खुदिकुम, अपने मालों से भी जिहाद करो और अपने नफ्स से भी जिहाद करो, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के राह में मैं नहीं रुक सकता। मेरे भाइयों कोई हाल में भी जिहाद के लिए निकल जाते हैं, यह है ईमान। कुरान की आयत पढ़ी, ईमान सादा हो गया, निकल गया फिर जिहाद से। शहीद इब्ने मुसय्यिब को देखो, शहीद इब्ने मुसय्यिब को देखो, उम्र की उस दहलीज पर है कि एक आंख खराब हो चुकी है, एक आंख की रोशनी बाकी है, एक आंख की रोशनी खराब हो चुकी है, एक आंख की रोशनी बाकी है। कुरान की आयत पढ़ते हैं, कहते हैं कि मेरे लिए सामान जिहाद तैयार करो, लोगों ने मना किया, तुम माजूर हो, इस हाल में तुम जिहाद के लिए नहीं जा सकते हो। कहने लगे मैं जाऊंगा, इस हाल में भी जाऊंगा, अगर कुछ तलवार न चला सका तो लोगों के मुजाहिदीन के सामान की हिफाजत करूंगा, शायद मेरी वजह से इजाफा हो जाए और कम से कम एक आदमी की बढ़ोतरी तो हो जाएगी, कम से कम मेरा शुमार तो मुजाहिदीन में हो जाएगा।
एक आखर आगे फिर भी निकल रहे हैं, एक आखर आगे फिर भी मैदान इतिहास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इस घोर कीजिए माहौल देखिए, अमृत लाल समूह को देखो, अमृत लाल समूह को देखो, एक पैर से लग रहा है, पैर कटा हुआ है, लाठी लेके चलता है, कुरान की आयत उसके सामने से गुजरती है, उसने कहा लोगों मैं जिहाद के लिए जाऊंगा, मुझे हर हाल में जिहाद के लिए जाना है। उसकी औलाद सामने आ जाती है कि अब्बू इस हाल में तुम जिहाद के लिए नहीं जा सकते हो। बच्चों ने शिकायत अल्लाह के नबी से की, मेरा बाप लगड़ा फिर भी जिहाद के लिए जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए अमर तुम्हें जिहाद में जाने की इजाजत नहीं है। कहा अल्लाह के रसूल क्यों, क्या शहीदों ने गाक मुझे नहीं है, क्या ये सब नौजवानों ही को मिलेगा। पहला हमारे इतने जमू ने इतनी जिद की, इतनी जिद की, इतनी जिद की, इतनी जिद की, यहाँ हमारे इतने जमू के बच्चों से कहा अगर तुम्हारा बाप मैदान इतिहाद में जाना ही चाह रहा है तो तुम्हें एतराज क्यों हो रहा है, शायद अल्लाह उसकी तमन्ना पूरी करे, शायद अल्लाह उसका शौक पूरा करे और उसको शहादत अता फरमा दे। और फिर इन बच्चों ने देखा कि मेरा लंगड़ा बाप मैदान इतिहाद में शरीफ हो गया, गजब में लड़ा और इतना लड़ा लड़कर ये लंगड़ा बाप मैदान जंग में शहीद हो गए। ईमान की ताजगी है, ईमान पैदा हो जाता है। आह, घर में एक बूढ़ी माँ है, उसका शौहर जिंदा है, एक बेटा है, यानी बाप बूढ़ा है, बेटा जवान है, घर में माँ बूढ़ी है। आह, जंग का ऐलान हो जाता है, बाप भी मैदान जंग में जाना चाहता है, बेटा भी मैदान जंग में जाना चाहता है, बाप भी मैदान जंग में, बेटा भी मैदान जंग में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि देखो माँ बूढ़ी है, घर में एक आदमी का रहना जरूरी है, बाप अगर रहता है तो बेटा जंग में जाएगा, और बेटा जाना चाहता है तो बाप को जंग रहना पड़ेगा, वरना इस औरत की खिदमत कौन करेगा। अब बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, बेटा कहता मैं जाऊंगा, बाप मानने के लिए तैयार नहीं, बाप कहता मैं जाऊंगा, कहता बेटे मैंने तो अपनी जिंदगी के दिन देख लिए, तुझे देखना बाकी है, तू अभी रहे अपनी माँ की खिदमत कर, मुझे जाने दे। बेटा कहता बिल्कुल नहीं, अब्बू अब्बा मुझे, मैं जवान हूँ, आपका मैदान जंग में क्या काम है, मैं कम से कम नौजवान हूँ, कुछ कर्तव्य दिखाऊंगा तो ये कारनामा दिखलाऊंगा। अल्लाह के नबी कहते पूरा देखो, पर्चियां डाली जा रही है, कुरान डाली जा रही है कि दोनों में से एक ही जाएगा, पर्चियां डाली गई। अल्लाह के नबी एक पर्ची उठाते हैं, पर्ची में खोल के देखते हैं तो पर्ची में बेटे का नाम आता है, यानी बेटा मैदान जंग में जाएगा, बाप नहीं। बाप रोने लगते हैं और उन्हें आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहता बेटे जिंदगी के मामले में तूने मुझे तरजीह दी है, तू बीमार होता था और मैं, लेकिन तू दवा पहले मुझे देता था, मैं खाने पीने में भूख का मामला आता था तो खाना तू पहले मुझे खिलाता था, हर मामले में तूने मुझे तरजीह दी। ओ मेरे बेटे, आज के इतिहास के लिए अपने बाप को आगे बढ़ा दे, अपने बाप को तरजीह दे। बेटा कहता अब्बू जान ये तो जन्नत का मामला है, इसलिए मैं तुमसे तरजीह नहीं दे सकता, इसके अलावा कोई और मैं मिला होता तो मैं तुमको आगे बढ़ा देता, ये मामला तो जन्नत का है, जिसमें आप जाना चाहते हैं उसमें तो हम भी जाना चाह रहे हैं। मेरे भाइयों, ये कहता हुआ बेटा तलवार लहराता और मैदान जिहाद के लिए निकल जाता है। हमने जाना ही नहीं ईमान क्या। कल राजग्राम में तकरीर कर रहा था, पूछो मुस्लिम दीन से, तकरीर करते करते एक नौजवान लड़के का गाना बज रहा था मोबाइल में, गाना कितनी सुंदर लगती हो, शायद यही वाला था, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा ये हाल है, ये हाल है आज हमारे नौजवानों का, ये हाल है। क्या होगा इस कौम का, किस रास्ते पे चल रही है आज हमारी ये कौम। आकल और खिरत खराब हो गई। अमेरिका में इस वक्त 7 करोड़ 20 लाख आदमी ऐसे हैं जो सिर्फ शराब के नशे में पी रहे हैं, और 7 करोड़ 20 लाख ये वो आदमी है जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो सरकारी
अपार्टमेंट में काम नहीं करते उनकी बात छोड़ दीजिए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। 7 करोड़ 20 लाख लोग ये वो हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और शराब पी के जाते हैं। अमेरिका का बयान है, इन 7 करोड़ शराब आदमी शराब पी कर आते हैं, शराब के नशे में ऐसे ढुको जाते हैं कि एक दिन में 25 करोड़ डॉलर का, 25 करोड़ डॉलर का रोजाना अमेरिका को नुकसान होता है, क्योंकि जो काम इनको करना चाहिए शराब पीने की वजह से ये वो काम नहीं कर पाते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में 25 करोड़ डॉलर का एक दिन में रोजाना नुकसान हो रहा है, पर दे एक दिन में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब पीने से अमेरिका कितना चिंतित है, कितना होशियार हो रहा है। वो जानता है कि अगर यही हाल रहा तो 25 करोड़ डॉलर का नुकसान योमिया पर डे में हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और एक दिन हमारा दिवालिया निकल जाएगा। वो जान चुका है कि शराब कभी भी कौम में तरक्की पैदा नहीं करती है, कौम को तरक्की की राह पर नहीं ले जाती है। आप जो घर में रह रहे हैं, अगर आप शराबी हैं तो आपका घर कभी तरक्की नहीं कर सकता है, आप अपने बच्चों को कभी भी तरक्की की राह पर गामजन नहीं कर सकते हैं। हम शराब के दिलदादा तभी बनते हैं जब ऐसे बेहूदा और हया गाने जब हम गाते हैं और गाने सुनते हैं, यही से शराब नोशी का दौर चलता है। और जब शराब नोशी हमारे यहाँ आम होती है तो फिर वही से जिनाकारी का दरवाजा खुलता है, जिनाकारी का दरवाजा भी वही से खुलता है, जिनाकारी। देखिएगा ये ईमान था वो अमल सवाले हा, अमल सवाले भी जरूरी है। ईमान और अमले सवाले दोनों को अल्लाह ने एक साथ पेश किया। आज हमारे पास ईमान तो है लेकिन अमले सवाले, हमारे गैर मुस्लिमों के पास ईमान अमले सवाले तो है लेकिन ईमान नहीं है। आप जाइए मई जून की गर्मी में स्टेशन पर गाड़ी रुकी, हिंदू लोग ठंडा पानी बरसता हमारी बोतलों में भरते हैं, फ्री हेलो 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 मुसाफिरों को पानी पिला रहे हैं ठंडा, उनका अमल कितना अच्छा है। आज भी बॉम्बे में चले जाइए टाटा हॉस्पिटल के पास, मेरा चचेरा भाई बीमार था, मैंने कैंसर का इलाज उसका कराया है। बॉम्बे के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लाइन लगी होती है अमीर लोगों की, गरीबों को कोई खाना ला रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है, कोई 10,000 का चेक दे रहा है, कोई 50,000 का चेक दे रहा है, किसी ने पूरे मरीज का खर्चा उठा लिया कि मैं इसको दूंगा। आज भी हिंदुओं में गैर मुस्लिमों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं बल्कि वो गरीबों का इलाज कर रहे हैं और करा रहे हैं और पैसा भी खर्च कर रहे हैं। उनका अमल तो बज़ाहिर बहुत अच्छा है लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है क्योंकि उनके पास ईमान नहीं। दिल्ली चले जाओ इतवार के दिन, संडे के दिन दिल्ली चले जाओ आप और गुरुद्वारे पे आप चले जाइए चांदनी चौक पर और सुबह देख लीजिए भंडारा लगता है, लाइन से लोग खाना खिला रहे हैं, वहां की पूरी कमेटी खाना खिला रही है, सारे गरीब लोग रिश्ते वाले तांगे वाले सब बैठ कर बेचारे लंगड़े लूले अपने इतवार के दिन खाना खा रहे हैं और उसमें बहुत से अमीर भी बैठ जाते हैं क्योंकि किसी की पहचानी पर यह नहीं लिखा कि अमीर है या गरीब है, लेकिन वो किसी को मना नहीं करते। बताए कितना अच्छा काम है लेकिन काबिल कबूल नहीं है क्योंकि उनके पास हमारे पास ईमान है लेकिन अमल सवाले नहीं है। इल्लल्लज़ीन आमनू, हमारे पास ईमान है लेकिन अमल सवाले नहीं है। आज कौन सा दिन है? मंगल। अब तो बुध हो गया। शनिचर को हमने नमाज नहीं पढ़ी, इतवार को हमने नमाज नहीं पढ़ी, सोमवार को हमने नमाज नहीं पढ़ी, मंगल को हमने नमाज नहीं पढ़ी, बुध को भी हमने मस्जिद का मुंह नहीं देखा, जुमरात को भी हम मस्जिद के दरवाजे तक नहीं गए, आज जुमा है फजर की नमाज भी हमने नहीं पढ़ी, 10 बजे उठे 11 बजे नहाए धोए और जुमे की नमाज पढ़ने के लिए अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े तो नहीं कहेंगे, अच्छे कपड़े धुले हुए कपड़े, लुंगी निकली हाथ अहमद निकला कुर्ता पहना टोपी ली और पहली सफ में बैठे हुए हैं। पहली सफ में कितना बड़ा नमाजी है माशाल्लाह, पहली सफ में बैठे ये वो नमाजी है जो जोहर में नहीं, ये वो नमाजी है जो शनिचर को नहीं आया था, जो इतवार को नहीं, जो पीर को नहीं, जो मंगल को नहीं, जो बुध को नहीं, जो गुरुवार जुमरात को नहीं और जो मैं अगली सब में बैठा हुआ है। नमाज पढ़ने के बाद निकला भाई नमाज पढ़ने क्यों आए? नहीं जुमा था आज। अरे जुमा था तो क्या हुआ? जुमा था तो क्या?
क्या हुआ? अरे शनिचर को इतवार को नहीं पड़ी तो आज क्यों आए हो? आज जुमा था, नहाए धोए से आते। अरे जुमे की भी नहीं पढ़ते तो क्या फर्क था? अरे पागल हो, जुमे की नहीं पढ़ूंगा क्यों नहीं पढ़ूंगा? जुमे की नमाज जरूरी है। अब उससे पूछो, जुमे की नमाज जरूरी थी तो क्या शनिचर को सहर जरूरी नहीं थी? असर क्या माफ थी? मगरिब क्या जरूरी नहीं थी? ईशा क्या फर्ज नहीं थी? इतवार को नमाज जरूरी नहीं थी? सोमवार को जरूरी नहीं थी? अरे यार मौली साहब, जुमे की नमाज तो पढ़ ली है, जुमा नहीं पढ़ेंगे यार तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, कितना नालायक आदमी है, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ी, जुमा पढ़ लिया मैंने। हमने एक नमाज पढ़ी जुमे की, वो भी इस दिल से और इस नियत से कि अगर जुमे की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले ये कहेंगे कि कितना नालायक है, कितना कमीना है कि देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ी। एक नमाज भी पढ़ी वो भी गांव वालों के डर से। जो लोग सिर्फ जुमे जुमे नमाज पढ़ते हैं और गांव वालों के डर से नमाज पढ़ते हैं, ये मुल्ला मौलवी बैठे हैं, हो सकता है कि मेरी बात की मुखालिफत करें, हो सकता है मेरे पास जो बोले वो मेरे ऊपर भड़के, हो सकता है कि वो उसको यही एक मौका मिल रहा है, लेकिन मैं डंके की चोट में कहता हूँ जिसको मेरी बात पर ऑब्जेक्शन हो वो अभी करो, दोहराने तकदीर करे मुझे टोके, मैं कहता हूँ जिसने जुमे जुमे नमाज पढ़ी, एक दिन ही नमाज पढ़ी, एक दिन नमाज पढ़ी, जुमे जुमे नमाज पढ़ी और इस दिल से इस नियत से पढ़ी कि मोहल्ले वाले गांव वाले ये कहेंगे देखो कितना बड़ा कमीना है, वो जुमे की नमाज नहीं पढ़ता, गांव वालों के डर से आया है। आगे के रब की कसम, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम आगे कहता हूँ कि उसने नमाज नहीं पढ़ी बल्कि शिर्क किया है, ये शिर्क है, ये रुकू सजदा नहीं किया है बल्कि इसने शिर्क किया है, ये नमाज नमाज ही नहीं है, ये अल्लाह के लिए नहीं बल्कि गांव वालों के लिए पढ़ी है, और नमाज जो अल्लाह के लिए ना पढ़ी जाए वो शिर्क है, सजदा जो है अल्लाह के लिए ना किया जाए वो शिर्क है, रुकू जो गैर अल्लाह के लिए किया जाए वो शिर्क है। दलील जो दलील ले लो, मन सल्ला युराई फकत अशरक, जिसने मन सल्ला युराई फकत अशरक, जिसने कोई नमाज दिखाने के लिए पढ़ी है उसने शिर्क किया, शिर्क है। दूसरों को दिखाने के लिए जो आप नमाज पढ़ रहे हैं ये शिर्क है। एक बक्की की नमाज पढ़ी हमने जुमे की और वो भी गांव वालों को सर, ये ना ईमान है ना अमले सवाले, अमले सवाले दिल से होता, दिल से, दिल की गहराइयों से। एक वाक्य सुनाने जा रहा हूं, इस वाक्य को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब अल अदबुल मुफ्रद के अंदर जिक्र किया है। इमाम बुखारी ने इस वाक्य को बयान किया है, ये किसी अथू नथू की किताब नहीं है, ये एक्स वाई जेड किसी मुल्ला मौलवी और कथ मुल्ला की लिखी हुई किताब नहीं है, ये ऐसी वैसी किताब नहीं है जिसमें जो चाह लिख दिया, ये वो किताब है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। अब तू नक्सू किताबें समझते हो, ये किताब अल मलफूजात आला हजरत, मलफूजात आला हजरत आपको हिरनपुर के किताब घर में मिल जाएगी, हिरनपुर में ना मिले तो पाकुड़ की किताब घर में मिल जाएगी, जहां बरेलियों का किताब खाना है वहां से खरीद लीजिएगा, ये किताब हर बरेली के मकतबे फिक्र के पास मिल जाएगी। इस किताब के पहले हिस्से में सफा नंबर 20 पर सैयद मोहम्मद यमनी का वाकया लिखा हुआ है, सैयद मोहम्मद यमनी का वो वाकया ये लिखा हुआ है कि वो मादरजाद वली थे, मादरजाद वली समझते हैं, माँ के पेट से पैदा होते ही दुनिया का वली बन गया हो, जबकि वली होने के लिए खुद बरेलवियों की किताब में ये लिखा हुआ है कि वली होने के लिए ये जरूरी है कि 40 साल तक उसकी कोई एक भी फजर की नमाज की जमात न टूटी हो और एक भी तहज्जुद की नमाज उसकी सजा न हुई हो, ऐसा आदमी वली होता है। ये बरेलवियों की किताब में लिखा है कि वली बनने के लिए जरूरी है कि 40 साल तक एक भी नमाज न टूटी हो, फजर की भी और तहज्जुद की एक भी नमाज कदा ना हुई हो, वो वली है। और ये मादरजाद वली थे,
क्या मतलब अम्मा के पेट से पैदा होते ही वली बन गए? इसका मतलब ये कि 40 साल की नमाजें थी जो पढ़ना चाहिए था और जो पढ़कर वली बनना चाहिए था, ये 40 साल की नमाजें अपनी अम्मा के पेट में पढ़ के आई। इनका बाप बाहर गया हुआ है, ये अपने बाप की कुर्सी पर बैठ गए। सुनिए बड़ा दिलचस्प वाकया और बड़ी हंसी का वाकया है। ये बेचारे अपने बाप की कुर्सी पर बैठ गए, मादर दाद वली या पता नहीं नंगे बैठे जैनियों की तरह या कपड़े पहनकर बैठे। ये वाक्य नहीं लिखा है, ये मुझे मालूम नहीं, इतना लिखा है कि एक मादर दाद वली है अपने बाप की जगह पर बैठ गए और कहने लगे, आए मेरे मुरीदो, आज मैं जन्नती और जहन्नमियों की लिस्ट बना रहा हूँ, उसको तैयार करो। उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी है, लिखो। कलम दे दिया उसको, कागज दे दिया और काम में जिसको जन्नती कहूंगा वो जन्नती है और जिसको जहन्नमी लिखवाऊंगा वो जहन्नमी है, पहले जन्नतियों की लिस्ट तैयार करो। मुरीद ने कलम ले लिया, कागज ले लिया और कहने लगा, बताओ जन्नती कौन है? पीर साहब की मादर दाद वली की नजर पड़ रही, सैयद मोहम्मद यमनी की नजर। ऐसे देखा है, हाँ लिखो, फला जन्नती फला नुन फिल जन्ना फला जन्नती। उसने लिख दिया फला जन्नती, फला जन्नती, फला भी जन्नती, फला जन्नती, हाँ फला भी। 20-25-30 आदमियों की जन्नती होने की लिस्ट तैयार हो गई। उन्होंने कहा वर्क उलट लो और ऊपर हेडिंग लिखो जहन्नमियों की फहरिस्त। लिख लिया, अब लिखो जहन्नमियों की तादाद, जहन्नमी कौन है? सबकी निगाहें नीची है, मुझे मेरे बाबा मुझे जहन्नमी ना बता, सब नीचे निगाह कर ली। लेकिन वो पीर ही क्या जो देख न ले, निगाहें छुट्टी होंगी सब्जी। कहा लिखो फलान किन्नार फला जहन्नमी। जो मुरीद था उसने कहा, बाबा वली साहब आप किसी को जहन्नमी न लिखाएं, ये अच्छी बात नहीं है, आप जहन्नमी लिखवा रहे हैं। अब पीर साहब को गुस्सा आ गया, ए लिखता है कि नहीं लिखता है? मुरीद ने फिर कहा, भाई आप क्यों लिखवा रहे हैं? आप जिसको जहन्नमी लिखवा देंगे उसको कोई काट नहीं सकता, फिर वो जहन्नमी हो जाएगा, इसलिए मत लिखवाइए। पीर बोला, मैं पीर हूं कि तू? अब लिख। तो फिर बोला बेचारा मुरीद, देखिए बाबा मत लिखवाइए, आप इतनी बड़ी हस्ती है, आए परेल भी हो, सुनो अगर कान के पर्दे खोलकर अहल हदीस अगर तुम्हारी मुखालिफत करता है तो कुछ सोच के करता है, हम तुम्हारा नाम लेकर बोलते हैं तो कुछ सोच कर बोलते हैं, हमें मालूम है कि तुम्हारी तुम्हारा निशाना बहुत पक्का है, हमें मालूम है कि तुम्हारी गोली कभी भी मेरी तरफ आ सकती है, हमें मालूम है कि तुम्हारे मुल्ला मौलवी बहुत बड़ा सवाब करार दे देते हैं कि जो मार देगा वहाबी मौलवी को 100 शहीदों का सवाब, हमें मालूम है कि तुम सवाब के लिए कुछ भी कर सकते हो, सुनो इस अंधे अकीदे में तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये वाकया तुम्हारी किताब में ना हो तो मेरी गर्दन काट डालो। लिखा है सैयदी मोहम्मद यमनी ने, लिखो तो कह रहा है कि नहीं लिखवाओ, आप इतनी बड़ी हस्ती है, आप इतनी बड़ी हस्ती है कि आप अगर किसी को जहन्नमी लिखवा देंगे तो आपका जहन्नमी लिखवाया हुआ तो अल्लाह भी नहीं काट सकता। ये है अकीदा तुम्हारा, आपका लिखाया हुआ तो अल्लाह भी नहीं काट सकता। पीर साहब को गुस्सा आ गया, पीर साहब ने कहा भी लिख। उधर मुरीद को भी गुस्सा आ गया, मुरीद ने कहा नहीं लिखूंगा, अरे लिख दूंगा तो तेरा जहन्नमी हो जाएगा। कहा नहीं लिखेगा, कहा नहीं लिखूंगा, फिर सोच ले, कहा नहीं लिखूंगा, कहा नहीं लिखेगा, कहा नहीं लिखूंगा, तांता फिर नार तो तू भी। ये है पीर, क्या कहा तो तू भी जहन्नमी। वो बेचारा डर गया, क्या हो अब तो इसका जमान से निकला हुआ अल्लाह भी नहीं काट सकता। मिन्नत की जमानत की, हाथ जोड़े पैर जोड़े, लेकिन सैयदी मोहम्मद यमनी कब मानने वाले? कुछ दिनों के बाद इनका बाप बाहर से आ गया और वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बाप से भी इस आदमी ने मिन्नत की जमानत की लेकिन ये ना माना, बोला मेरा बेटा जो कह चुका वो फाइनल है, वो फाइनल है, वो फाइनल है, अब तू जहन्नमी है, मैं काट नहीं।
लेकिन ये पूरी जिंदगी उसकी खुशामद करता रहा। दरअसल बाप अब अल्लाह तो काट नहीं सकता, लेकिन बाप ने रास्ता कैसा निकाला ये देखिए आप। बाप ने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं अपने बेटे का कहा हुआ काट तो नहीं सकता हूँ, काट तो नहीं सकता हूँ, लेकिन गौर करो मेरे बेटे ने कहा क्या क्या, मेरे बेटे ने अंता फी जहन्नम कहा या अंता फी नार कहा, क्या कहा? अरे तू जहन्नम में कहा या अंता फी नार तू आग में, ये कहा। तो फौरन ये आदमी बोला आपके बेटे के मुंह से निकला अंता फी नार आग में कहा था ना, हाँ हाँ, तो बस मैं इतना कर सकता हूँ कि तू आग में जल के मरेगा, अब तू पसंद कर ले के जहन्नम की आग में जलना चाहता है या दुनिया की। उसने कहा बस मुझे दुनिया की आग में जल जाना पसंद है लेकिन जहन्नम की नहीं, जहन्नम में कौन जलेगा मरेगा। तो कहा ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद तेरे घर में आग लगेगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा सो रहा होगा और तू आग में जल कर मर जाएगा लेकिन जहन्नम में जलने से बच जाएगा। देखा बेटे ने जिसको जहन्नमी कहा और बाप ने उसको कितनी आसानी से दुनिया में आग में करार दे दिया और जहन्नम से बचा लिया। और ये वो बाप है जिसका बेटा कह चुका है कि तू जहन्नमी, तो बेटा इतना पहुंचा हुआ है कि उसका कहा हुआ तो अल्लाह भी नहीं बदल सकता, उसका कहा हुआ तो अल्लाह भी तब्दील नहीं कर सकता। अब अंदाजा लगाओ अहले हदीस आए पर अल्लाह के अहले हदीस अपनी लड़कियों को बरेलवियों में देते हो शर्म नहीं आती, अपनी लड़कियों की शादी देवबंदियों में करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती। लो साहब मौलवी साहब फितना फैलाने आ गए, हम फितना फैलाने नहीं आए, तुमने कितने चालू किए, आज तुम्हारी वजह से हम बहुत बात कहने में डर लग रहा है कि तुम्हारी रिश्तेदारियां खराब ना हो। तुम प्रॉपर्टी वाला देखो, तुम जमीन वाला देखो, तुम जायदाद वाला देखो, तुम न हनफी देखो न परेलवी देखो, और मौलवी जब जीता है तो ये देखे कि तुमने रिश्ता वहां किया है, तुम्हारी रिश्तेदारी न बिगड़े, इसलिए कुरान से हम समझौता कर लें, हदीस से हम समझौता कर लें। अरे तू नहीं मान सकता है तो मैं भी नहीं मान सकता है, जहां तुझे जो करना हो कर ले। अपनी लड़की गैरों में देते गैरों में, बाद में कहता मौली साहब गैरों में लड़की देना चाहे से कि मौलवी जर्जी इस लड़की देना तो तू गैर के पीछे नमाज पढ़ना भी गवारा नहीं करता। मेरे नबी फरमाते हैं रफूल देन करते थे रफूल देना आपने हत्ता लकी अल्लाह ताला। अम्मा ऐसा फरमाती है कि आपने आखिरी नमाज भी रफूल देन के साथ पढ़ी है, यहाँ तक कि आप अल्लाह से मुलाकात कर गए, अल्लाह से मुलाकात कर गए, आखिरी नमाज भी रफूल देन के साथ थी। तुम कहते हो कि पहले खुद लेके आते थे खुद गिर जाया करते थे इसलिए रफूल देन का हुक्म दिया और बाद में मना किया, तुम झूठ बोलते हो। अल्लाह के नबी की बीवी कह रही है कि मैंने नबी की जो आखिरी नमाज देखी है हाँ मस्जिद में देखी है, मस्जिद में पढ़ रही थी, मैं जानती हूँ नबी की आखिरी नमाज, उस नमाज को भी मैंने देखा कि अल्लाह के नबी आखिरी नमाज में भी रफूल देन कर रहे थे, रुकू में गए तो दोनों हाथ उठाए, रुकू से मैं सिर्फ मैं से उठे तो दोनों हाथ उठाए, तुम ऐ रफूल देन के नमाज पढ़ते हो तुम्हें तो मेरे नबी की सुन्नत से प्यार नहीं, मुझे तेरे पीछे नमाज पढ़ना मंजूर। मेरे नबी कहते हैं लानतुल्लाही अला ज़ाहिर, मेरे नबी फरमाते हैं लानतुल्लाही अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह तेरी लानत हो यहूदियों पर नसरानियों पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वस्नियोबद, आय अल्लाह मेरे मरने के बाद मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र को मेला ठेला न बना देना, मेरी कब्र को ईद न बना देना, मेरे कब्र को चादरें चढ़ाने की जगह न बना देना, मेरी कब्र को फूल और मालाएं की जगह न बना देना, मेरी कब्र को
खाना ना बना देना कि लोग सजदा करने लगे। मेरे नबी को पक्की कब्रों से नफरत थी, मेरे नबी को अपनी कब्र पे मेला लगाने से नफरत थी, और तू सारे बुजुर्गों की कब्रों पे मेला लगाया हुआ है। मेरे नबी ने जिस काम को शिर्क करार दिया तू वही काम कर रहा है। तूने मेरे नबी की बात को शिर्क नहीं माना, हम तेरे पीछे नमाज पढ़ना गवारा नहीं करते, बता मेरा कसूर क्या है। तू कहता है पक्की कब्रों पे बाबाओं से मांग ले, और अल्लाह के नबी कहते हैं आए अली, और अली कहते हैं भैया चला सभी से, अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा है और मैं तुमसे कहता हूँ, जहाँ तुम्हें तस्वीर मिले उसको पैरों से रौंद डालो, और जहाँ तुम्हें पक्की कब्रें मिले उन पक्की कब्रों को तोड़कर जमीन के बराबर कर दो। अल्लाह के नबी ने पक्की कब्रें तोड़ने का हुक्म दिया है, और पक्की कब्रों को तोड़कर उनको जमीन के बराबर करने का हुक्म दिया है। तुम पक्की कब्रें बनाने को सवाब मानते हो, मेरे नबी ने पक्की कब्रों को तोड़ना सवाब बताया है। तुमने पक्की कब्रें बनाना शुरू की, हमारे नबी के मना करने के बावजूद भी तुमने बनाई, हमने तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ी, तो कौन सा जुर्म कर दिया। अच्छा पक्की कब्रें तोड़ने का हुक्म है तो तुम तोड़ो, लाओ कोई मजार है यहाँ, कोई मजार है आपके यहाँ, मुझे हथौड़ा दो, लेकिन इस बात की गारंटी दे दो कि जाओ कोई आदमी कुछ नहीं कहेगा तुमसे, पुलिस में हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाबा की बद्दुआ लगी हो तुम मर गए या तुम्हारा बेटा मर गया तो हमें हमसे कुछ मत कहना, लिख के ले लो, हथौड़ा मारने की और कुल्हाड़ी मारने की जिम्मेदारी मेरी, मैं मारूंगा बाबा की कब्र पे हथौड़ा मार के तोड़ने तोड़ूंगा, मैं मर जाऊं या मेरा बेटा मर जाए या मेरा बाप मर जाए, तहरीर ले लो, हम कोई किसास नहीं लेंगे, कोई बदला नहीं लेंगे, लेकिन तू हमें इजाजत दे के तो देख सबसे पहली जो कब्र है। अरे तू यहाँ की बात कह रहा, बरेली में हम जेल में भी गए तो इसी बात से हम जेल में गए, हमने तो यहाँ तक कहा बरेली के आला हजरत में सबसे पहले हथौड़ा मारने के लिए तैयार है, ला हथौड़ा दे, मैं मर जाऊँ या मेरा बेटा कोई जिम्मेदार नहीं है, ला तो हथौड़ा दे। कितनी बात मैंने कही, फौरन पुलिस आई उस जेल में, पक्की कब्रें तोड़ने का हुक्म दिया, और तुम उन्हीं में अपनी बेटियां दे रहे हो, तुम्हारी बेटी को तो ही कचरा सा निकाल देती है, अब उसको अपने शोहर का मुंह देखना है, उसको अपने सास ससुर को देखना है, क्योंकि वो मजबूर हो गई है, 3 साल 4 साल बेटा नहीं मिलता है, ये मुवाहिद की बेटी है, ये तो ही सहजादी इसकी लड़की है जो हर नमाज में पढ़ता है, यही दिन मुस्तकीम जो हर नमाज में पढ़ता है, अल्लाह इबादत भी तेरी करता हूँ और मदद भी तुझसे मांगता हूँ, आज हमारी बेटी है 4 साल बेटा नहीं हुआ, नंदों ने मजबूर किया, शोहर ने मजबूर किया, बेचारी मायूस हो गई, जा रही है हाजी अली की दरगाह पर, जा रही है अपनी भाभियों के साथ, जा रही है अपने नंदों के साथ, जा रही है अपने शोहर के भाइयों के साथ, आए नंदोइयों के साथ, वो जा रही है अजमेर जा रही है, वो न चाहते हुए भी जा रही है, उसको मालूम है कि ये चीज गलत है लेकिन फिर भी जा रही है, क्योंकि वो लड़की है, वो जानती है कि ससुराल की बात नहीं मानूंगी मुझे मजबूर किया जाएगा, वो जानती है वो बेचारी, इसलिए अहले हदीस को प्रॉपर्टी देख ली, जमीन देख ली, जायदाद देख ली, तुमने दुनिया का ऐशो आराम देकर अपनी बेटी को भी आसो दिया है, लेकिन तूने जीते जी अपनी बेटी को जहन्नम में झोंक दिया है, इस बात की तूने कोई परवाह नहीं, हम लड़ा नहीं रहे हैं, हम झगड़ा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आइंदा के लिए बाखबर कर रहे हैं, तुम ये ना देखो कि हमें क्या है लड़के के पास, बल्कि ये देखो कि दीन है या नहीं, ईमान है या नहीं, उसके पास शरीयत है या नहीं, मेरे भाइयों कम से कम अपनी बहनों को अपनी बेटियों को भेजो तो ऐसे घरों में भेजो जहाँ वो दीन को बचा सके ना वो शरीयत को बचा सके, इल्लल्लज़ीन सवाल है। हाँ बात यहाँ से कर गई थी मेरी, आज मैं वो वाकया सुनाने जा रहा हूँ जिसको इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद में, और ये ऐसी ऐसी किताब का वाकया नहीं है जैसी ये किताब का वाकया जो मैंने सुनाया है, अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी नकल करते हैं, एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लैट्रीन की जरूरत पड़ती है, लैट्रीन कज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, लुंगी उठाकर बैठते ही हैं, अभी लैट्रीन की नहीं थी उठ गए, लुंगी उठा के बैठ ही रहे थे कि उठ गए, फिर सोचते फिर निकल गए,
लेटरिन नहीं की निकल गए और अपने घर में आए के बिस्तर के नीचे से कुछ सोना था कुछ चांदी थी उसको निकाला और गरीबों में तकसीम कर दी और फिर गए। थोड़ी देर के बाद निकले तो लोगों ने पूछा अबू बकर से क्या हुआ ये, अभी तो आप लेटरिन करने गए थे फिर निकले फिर गए, पेट तो सही है दस्त तो नहीं हो रहे हैं पोषण तो नहीं हो रहा है वो भी लूज, पेट तो ठीक है। बोले नहीं मैं तो ठीक हूँ। कारे अभी तो गए थे फिर गए क्या बात, कारे वो पहली मरतबा जब गया था तो मैंने लेटरिन नहीं की थी बल्कि मैं निकल गया था, क्यों कहो कुछ याद आ गया था कि सोना चांदी रखा हुआ है उसको निकाला और गरीबों में तकसीम कर दिया फिर दोबारा गया। तो लोग हंसने लगे और कहने लगे अबू बकर सिद्दीक से अरे ये काम तो लेटरिन करने के बाद भी कर सकते थे, ये कौन सी बेवकूफी है कि निकल गए पहले बांट दिया फिर गए, अरे लेटरिन कर लेते बाद में निकलते फिर बांट देते तकसीम कर देते ये काम तो बाद में भी हो सकता था। जवाब देखो क्या है, फरमाया बिल्कुल ठीक तुम सही कह रहे हो लेकिन गंदी जगहों पर शैतान होता है और शैतान इंसान के खून की रगों में दौड़ता है। लेटरिन के अंदर जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि ये सोना कुछ बाकी है मैं इसको गरीबों में तकसीम कर दूं, हो सकता है कि लेटरिन से निकलते वक्त शैतान खून की रगों में दौड़ता और मेरे इरादे को बदल देता और ये ख्याल मेरे दिल में डालता, नहीं सोना बहुत काम की चीज है। तो जो नियत मेरे दिल में पैदा हुई मैंने फौरन सोना और चांदी तकसीम कर दिया क्योंकि शैतान का खतरा था कहीं वो मेरे दिल में उनकी रगों में तोड़ कर कहीं मुझे मेरे इरादे से बदल न दे मेरे इरादे को तोड़ न दे, इसलिए मैंने नियत पैदा होते ही मैंने सत्ता हयात कर दिया। आइयो ये है अमले वाले जो दिल से होता है। इन नमल अमालु बिन्नियात का तर्जुमा लोग करते हैं सारे अमल का दारू मदार, तमाम अमल का दारू मदार नियत पर है, मैं ये तर्जुमा नहीं करता हूँ, हर अमल का दारो मदार नियत पर है, अच्छा अमल का दारो मदार नियत पर है बुरे अमल का नहीं। अगर नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो नमाज एक अच्छा अमल है, अगर अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक और अगर मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो तो गई भैंस पानी में। रोजा ठीक लेकिन अल्लाह के लिए रख रहे हो तो, और अगर लोगों के सामने कुछ नहीं खा रहे हो और घर में घुसे फ्रिज का पानी पी रहे हो बेकार, खावे का रोजा अच्छे काम में नियत अच्छी होनी चाहिए, बुरे काम में नियत चाहे कितनी अच्छी हो बुरा काम अच्छा नहीं होगा। मौलवी जर्जीत के पड़ोस में एक लड़की रहती है इंतहाई गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, मैं उसकी शादी कराना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास भी नहीं है मैं क्या करूं, उसके पास भी उतना नहीं है कि वो बेचारी अपनी शादी कर सके उसके घर वाले अपनी बेटी का घर बसवा सके। मौलवी जर्जीत की नजर एक सुनहार की दुकान पे पड़ी जो 10-20 कदम दूरी पर है, उसने देखा कि सुनहार ने जो ताला लगाया है वो बहुत कमजोर है, रात में 2 बजे उठता है ताला तोड़ता है। मौलवी जर्जीत इस सोने की दुकान में घुस जाता है, 1-2 लाख रुपए का सोना चुरा लेता है अपनी पॉकेट में भर लेता है घर आता है, लेकिन उसकी नीयत ये नहीं है कि सोना वो अपने ऊपर खर्च करेगा, उसकी नीयत ये है कि मैं सोने और चांदी से गरीब लड़की की शादी कराऊंगा और उसका 1 रुपया भी मैं नहीं खाऊंगा। और करो नीयत तो मेरी अच्छी है, नीयत तो मेरी बहुत अच्छी है बहुत ही बेहतर है, लेकिन नीयत अच्छी होने से वो काम जो मैंने किया चोरी का वो अच्छा नहीं हो जाएगा वो जायज नहीं हो जाएगा, अगर से मैं उसका 1 रुपया नहीं खाऊं और गरीब ही की शादी कराऊं ये काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे भाइयों इस काम के लिए मैंने जो तरीका अपनाया है चोरी का वो तरीका गलत है। लिहाजा मौलवी जर्जी खाए या ना खाए 1 ही रुपया ले ना ले लेकिन चोरी का जुर्म चोरी का गुना उसके ऊपर पड़ेगा, और अगर उसने इकरार कर लिया कि मैंने चोरी की है तो शरीयत इस्लामी के मुताबिक उसका हाथ भी काटा जाएगा। पता ये चला कि बुरे काम में नियत चाहे कितनी अच्छी हो बुरा काम अच्छा नहीं होगा। हमें औलाद की जरूरत है लेकिन मेरे पास मेरी मनी में जरासीम नहीं है, औलाद पैदा नहीं हो रही है लेकिन औलाद की जरूरत है। डॉक्टरों ने कह दिया कि जितने जरासीम की जरूरत है वो तुम्हारे अंदर नहीं है, मैं इजाजत भी दे दूं फला है नौजवान मेरी बीवी से हम बिस्तरी कर ले, मेरी बीवी भी इजाजत दे रही है तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ आ जाओ।
शोहर भी इजाजत दे रहे हैं, बीवी भी उसकी इजाजत दे रही है, नौजवान भी तैयार है, नियत ये है कि औलाद बढ़े। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे जन्मे वाली हो। चलो हम पैदा नहीं कर सके, इससे करवा रहे हैं, इजाजत मेरी भी है, इजाजत मेरी बीवी की भी है, नौजवान भी तैयार है। मेरे भाइयों, काम तो बजाहिर अच्छा है, औलादें तो बढ़ रही है, नस्ल तो बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए जो तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तरीका गलत है। अगर इलाज करा और नहीं करा रहा है तो औलाद बनना नहीं देना चाहता है तो तुम जबरदस्ती क्यों ले रहे हो? जब अल्लाह नहीं देना चाह रहा है तो क्यों ले रहे हो? मेरे प्यारे साथियों, करो कि इसके लिए जीना की इजाजत तुम्हें नहीं दी जा सकती है। चाहे शौहर भी तैयार हो, चाहे बीवी भी तैयार हो, चाहे वो नौजवान भी तैयार हो, इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और अमल दिल की गहराई होता है, दिल से नियत दिल से होती है। हाँ, अल्लाह अकबर, हम फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, हम ज़ुहर की फर्ज पढ़ रहे हैं, हम ज़ुहर की सुन्नत पढ़ रहे हैं, नियत जबान से नहीं होती है। और जबान वाला किस्सा मैं सुना चुका हूँ आपको, मोबाइलों में होगा या पुरानी तकरीर में होगा, जिला बदायूं का मेरे सामने उसने कहना शुरू कर दिया था, नियत करता हूँ मैं दो रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह की, मुंह मेरा क़िबला शरीफ की तरफ, नियत मेरा क़िबला शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कहते उसकी स्टाइल दिखी, अल्लाह फिर भी ऐसे देख रहा मैं, वो जानता ही अलहदीस है, ये नियत जोर से बांधते नहीं, अगर अल्लाह 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 कौवे की चोंच। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा बेटा पढ़ ले नमाज को, जैसे उसने सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, मैं खड़ा हो गया, मैंने साथियों से कहा अगर कुछ हो तो बचा लेना मुझे, लेकिन जल्दी से भागना, यहाँ मस्जिद इन्हीं की है। ठीक, मैंने देखा दाएं बाएं, अब क्या देखा है नजर में था, मैंने कहा नियत करता हूँ, अब मुझे देख रहे हैं तो अलवी भी नियत कैसे, ये क्यों इसी जोर से बोला, और मैं खुद जोर से बोला, नियत करता हूँ मैं दो रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा क़िबले शरीफ की तरफ, पीछे इमाम के, दाएं मेरा पुट्ठा, बाएं मेरा मुट्ठा, ऊपर आसमान, नीचे जमीन, ऊपर पंखा, नीचे चटाई, पीछे चोटी, आगे इमाम, इमाम का खोपड़ा, सामने घड़ी, घड़ी में बज रहे दो, अल्लाह अकबर, मुझे नमाज पढ़ना ही नहीं थी, दो रकात पढ़ना थी जो हर किस्त से वो मैं पढ़ चुका था, अब तो बाबा रामदेव की एक्सरसाइज करना थी, नियत यही थी मेरी दिल में। मैंने तो आज तो सामने बहुत आहिस्ता पढ़ा, मैंने उधर बहुत जोर से जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, नियत करता हूँ मैं दो रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह के, वो मेरा क़िबला शरीफ की तरफ, पीछे इमाम के, दाएं मेरा बुड्ढा, बाएं मेरा मुड्ढा, ऊपर आसमान, नीचे जमीन, ऊपर पंखा, नीचे चढ़ाई, पीछे इसकी टोटी, आगे इमाम का कोबरा, सामने घड़ी, घड़ी में बज रहे दो, अल्लाह अकबर, तब अल्लाह अकबर हमीदा अकबर कह के मेरे सलाम फिरा, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, जो ऐसी सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, वैसे ही मेरे पर चढ़ गया जैसे भूख का शेर बकरी पे धड़ा था। ए, ए, तेरे अल्फाज हदीस में नहीं है, मैंने कहा चुप छोड़ मुझे छोड़, नहीं ये हदीस में नहीं है, मैंने कहा तू ने जो पढ़ा वो भी हदीस में नहीं है, बोला नहीं मेरी हदीस में, मैंने कहा हदीस में अलग अलग है, बोला मैंने कहा तो फिर मेरे अल्फाज मेरी हदीस है, थोड़ा बोला नहीं मेरे इमाम के पास चल वो बताएंगे, मैंने कहा चल चल अपने इमाम के पास चल, तेरा इमाम भी आसमान से टपका हुआ है, अंतर वगैरह बहुत सारे क्या मिल रहा है उसमें साफ लिखा ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या मिल रहा है, बहुत सारे बटन यहाँ है उसमें बटन कम एकदम चौंक गया, ये क्या मामला है, ये क्या मामला है, एकदम चौंक गया, मैंने कहा चल अपने इमाम के पास चल, तेरे इमाम को भी देखते कौन है, आसमान से टपका है क्या, इमाम साहब कहते हैं तुम्हारे मसलक में क्या है, मैंने कहा दिल में नियत करना जोर से नहीं, बोला हमारे मसलक में जोर से बोलना, हमने कहा मैं ये नहीं जानता हूँ सही क्या है, बोला दोनों सही, हम ही बेवकूफ है, एक इमाम कह रहा है हलाल, एक कह रहा हराम, मुफ्ती साहब कह रहे हैं दोनों सही है, हम ही को बरेली के पागल खाने में भर्ती कर दो या इस मुफ्ती का इलाज बरेली के पागल खाने में भर्ती कर चुका, इमाम साहब ही कह रहे हैं घोड़ा हलाल, अबू हनीफा कह रहे हैं घोड़ा मकरूह, मुफ्ती साहब तो क्या सही, मुफ्ती कह रहे हैं दोनों चाहे,
इमाम साफी कह रहे हैं जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा इमाम के पीछे उसकी नमाज ही नहीं होगी। अब मनीपा कह रहे हैं जो पढ़ेगा इमाम के पीछे सूरह फातिहा उसके मुंह में आग भरी जाएगी। मुफ्ती साहब से पूछो क्या सही है, मुफ्ती साहब कहते चारों इमाम बरहक है, इसलिए दोनों सही। यानी पढ़ो तो भी सही ना पढ़ो तो भी सही, तो फिर पागल कौन हुआ, ये तो मुफ्ती हुआ या हुआ ये इस्लाम की। मेरे पास अभी एक पर्चा आया कि बहुत ज्यादा ग्रा ग्राए वतन आए हुए हैं और वो मुश्ताक हैं, सुनना चाहते हैं, मुझसे छूट मत बोला कर। मैं लफ्ज बात, आपको खुद ही फिक्र नहीं है ग्रा ग्राने वतन की और हिंदुओं की, तो हमसे क्यों करते हो? अगर इतनी ही आपको हिंदुओं की फिक्र थी कि उनको दावत और तबलीग का काम किया जाए और उनको सुनाया जाए, तो आपने हमें 9 बजे क्यों नहीं टाइम दिया आज हम उनको सुनाते? देखिए हमसे बेवकूफी वाली बातें जब की जाती है तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब रात के 2:30 बज रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्ताक है, ये वही हिंदू मुश्ताक होंगे जो चाय की ऑर्डर लेके आए हुए हैं तो जलेबी के टुकड़े चला रहे हैं। अब वो जलेबी बेचेगा, चाय बेचेगा कि मेरे मंत्र सुनेगा? और मुझे बताओ यहाँ कौन बैठा? हिंदू अगर आए तो उनको सामने बिठाया करो, सामने। हिंदू जब आया करें तो गैर मुस्लिमों को सामने बिठाया करो ताकि मैं उनको सुना सकूं और वो बेचारे को सवाल करें तो मैं उनका जवाब दे सकूं। आजकल सवालों जवाब का ज्यादा फायदा होता है। आज मैं सिर्फ मंत्र पढ़ रहा हूँ, अब 10-15-20 मिनट और मैं बोलूंगा, जरा गौर से सुन लो। अब मैं मंत्र ही मंत्र पढ़ रहा हूँ, अब मैं अपनी तकलीफ को छोड़ रहा हूँ। यहाँ से हालांकि आगे के बड़े दर्दनाक वाकया थे, दो वाकया मैं उनको छोड़ रहा हूँ, मैं मंत्र सुनाने जा रहा हूँ, जरा गौर से पढ़। इतने मंत्र हैं हिंदुओं के लिए। पहला मंत्र पढ़ देता हूँ, इत कलोगत प्राय गणेश खर घर मिल धर्म प्राय सत्वैनि भगवान अवतरष्यति तथा सोशम भल गिरा में हो तो सुवाजी उचाता मंगलाचार्य बहुला पापता विवचित्तता। मंत्र दो हो गए, तीसरा भी बिल्लो तत्वा पुंडरी का चुभ्रम्र विदंबरी की भवने संभलो विष्णु यशोग्र सुमति प्रादुर्वाप्यम। मंत्र चौथा भी बिल्लो एतस्मिन् मंत्रे मलेच्छाचार समन्विता महामदिति खयात शिष्या का समन्विता। चार पांचवा मंत्र भी जोड़ दो, अश्वमा सुगमारूहा देव दत्त जगतपति आसिना साधुत मनम षडेश्वर्य गुणन्विता। कितने हो गए? छह। सातवां मंत्र भी गिनो, विश्रंत न सुना छोड़िया है न प्रतिमगुत निर्पलिंग सुधोद सियूरी कोटि सोनी हनिष्यति। आठवां मंत्र भी गिनो, अदतेषाम भविष्यन्ति मनासि विष्टान वासु दिवंगरागति पुण्य गंधान कृषामा। नवा मंत्र भी गिनो, द्वादश्यो शुक्लपक्षस्य माध्वे माधि माधि। एक और मंत्र किल्लो, वाचिव प्रति प्रेम माया मत विशारद तब देखो महाराज मंत्रिता परमो श्रेष्ठ संबंधी हाथ तथा तथा दृष्टा प्रम विस्मय मागिता चतुर्ग्रह प्रम देव कृष्यामी कृष्ण भवंतो बालवा देवा श्वासे ना उदृश्य था। इसके बाद ऋग्वेद के अथर्ववेद के 20वें कांड के 27वें सूक्त के 1, 2, 3 मंत्र की किल्लो, इदम जना उपशोक नराशंस तश्विषियते तश्किम सहस्रा नदी तम चकौरम अरुष्मे परवाहिणो मधुमंतो द्यूदश एशाय मामहे शतान निष्कांत सत्कराद त्रीणि शतान निवर्तान्य सहस्राद शौना। मिल गई क्या? मिल गया सुकून? खुश हो गए हमारे हिंदू भाई? लेकिन हमने पढ़ा क्या है, भैंस के आगे बीन बचाओ, भैंस बिचारी खाली। क्या मालूम, ये टोपी वालों को सुना रहे हैं तो क्या मालूम हम सही भी पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं। सत कलो गत पराए जरेशु घर घर मिली अंतिम ऋषि कलयुग में आएगा जब सारी जनता गधों की तरह होगी, जानवरों की तरह होगी, धर्म त्राय उस वक्त धर्म की रक्षा करेगा, अत्वैन और सच्चाई को नाफिस करेगा, भगवान अवतरष्यति और सारे बुतों को तोड़ देगा। हिंदू धर्म ने लिखा सारे बुतों को तोड़ देगा, जब सारे बुतों को तोड़ने का हुक्म है तो तुम पूजा क्यों कर रहे हो? लेकिन इसमें हिंदुओं का कोई कसूर नहीं है। जब अल्लाह के नबी ने कहा पक्की कब्रों को तोड़ दो तो मुसलमान भी तो पूजा कर रहा है। जब मुसलमान नहीं तोड़ सकता है तो हिंदू क्यों तोड़े और हम उनसे क्यों कहने को? लेकिन किताबें दोनों जगह की सही है, अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया वो कृष्ण जी भी कह रहे हैं।
मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी सतयुग में नहीं आए, त्रेता युग में नहीं आए, द्वापर युग में नहीं आए, कलयुग में आए। जब सारी जनता गधों की तरह होगी इसमें भी कोई शक नहीं, जब सारी जनता जानवरों की तरह थी तब आए। लड़की पैदा हुई जिनका दफन कर दिया, ये जानवर जैसे मछलियां अपने बच्चों को खा जाती हैं। लड़की पैदा हुई दफन, लड़के पैदा हुए हैं ये तो बड़े होकर मेरे साथ खाएगा, उसको कतल या कुलू ना बनाओ, अपनी औलाद को कतल कर रहे हैं या तहयू ना निशा, अपनी और लड़कियों को जिंदा दफन कर रहे हैं, जिंदा दफन। जानवरों वाला काम, शराब इतनी पी रहे हैं जैसे पेप्सी और थम्सअप की बोतल, जुआ इतना खेल रहे कि जुए में रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी लगा दी, बीवी भी जुए में हार गए तो 18-20 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा दी। हर मतराय ऐसे जिहालत के दौर में, ऐसे जिहालत के दौर में अंतिम ऋषि आएंगे, मोहम्मद आएंगे, सतवैर सच्चाई को नाफिज करेंगे। आप आए और आपने सच्चाई को नाफिज किया, भगवान और दृश्यति पुत्रों को तोड़ेंगे। आपने ऐसी सच्चाई नाफिज की कि तत्काल मदीना में रहने के बाद जब मक्के में फातिहाना दाखिला किया और लोगों को उनके कसूर माफ कर दिए, आपने हिबार इब्ने अस्द को माफ किया, आपने हिंदा को माफ किया, आपने तमाम मुजरिमों को माफ किया, उसके बाद खाने पापा को आपने बुतों से पाप को साफ किया। आपकी किताब कहती है वो सारे बुतों को तोड़ देगा। अल्लाह के नबी खाने पापा में घुस गए जहाँ 360 बुत रखे हुए थे, आप हजरत अली के चांदी पर चढ़ गए, छड़ी आपने अपने हाथ में ले ली, एक एक बुत को छड़ी उसकी गर्दन में डालते और गिराते, खींचते बुत जमीन के ऊपर गिरता और टूट जाता, एक एक बुत के गर्दन में छड़ी डालते और गिराते और कहते जाते काल हक और जहन पाते इन्नल पातिल कान दहू का, हक आ गया और पातिल मिट गया, पातिल को तो मिटना ही था, पातिल को तो खत्म होना ही था। ये मंत्र मेरे नबी पर उतरता है, मैं बहुत ज्यादा लंबा खुलासा नहीं करूंगा किसी भी मंत्र का। दूसरा मंत्र देखिए, वो भी हमारे नबी के बारे में उतर रहा है, संभल गिरा जीव जाता है मंगला चार्य बहुला पापिता भी बज जाता, संभल ग्राम में आएगा, बता चुका हूँ संभल मानी कांत ग्राम मानी गाँव, शांति वाला गाँव, अल वाला दिल अमीन यानी अमन वाला गाँव, मक्का में आएगा, वो मक्के में आएगा, स्वाजी जाता है ऊंची जगह पे खड़े होकर लोगों को प्रचार करेगा, सोत स्वाजी जाता है सुनाएगा, ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को सुनाएगा, क्या सुनाएगा, मंगलाचार्य नेकियों के काम बताएगा, नेकियों का देश सुनाएगा, पहुला पाप किताब, पहुला मानी बहुत बड़े बड़े पाप मानी गुनाह, बहुत बड़े बड़े गुनाहों को नाम ले लेकर मिटाएगा, विभजित जता नष्ट करेगा, वो संभल ग्राम मक्का में आएगा, आप मक्के में आए, ऊंची जगह पर खड़े होकर वो लोगों को सुनाएगा। आपने लोगों को सुनाने के लिए मस्जिद में एक मिंबर बनाया, उसकी ऊंचे जगह पर ऊंची सीढ़ी पर खड़े होकर आपने लोगों को सुनाया। मिंबर ऊंची जगह पर सुनाने का मतलब यह कि मिंबर जो खड़ा होगा ऊंची जगह पर खड़ा होकर वो लोगों को सुनाएगा। अल्लाह के नबी ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को सुनाया करते थे। बहुल मंगलाचार नेकियों का हुक्म देगा, आपने अमरुल मारूफ का फरीदा अंजाम दिया, नेकियों का हुक्म दिया, और पहुला पाप पिता विभजित जता बहुत बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर उसको मिटाएगा। आप बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर उनको खत्म किया, अब देखिए बड़े बड़े गुनाहों का नाम कैसे लिया। आपने फरमाया इज तनिबु सवाल मुंह भी का, बड़े बड़े नाम ले रहे हैं लोगों, पाप गुनाहों से बचो जो इंसान को हलाक कर देते हैं। पूछा मन हुन माहिया या रसूल अल्लाह या वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो गुनाह क्या है। आपने फरमाया शिर्क बिल्लाह शिर्क करना, दूसरा गुनाह बस सहरू जादू करना, जादू समझते हैं जादू, फला की लड़की से मेरा प्यार है वो भी मुझसे प्यार करती है, बोली शायद फिर तावीज दे दो, तावीज क्यों दे दो, जब प्यार करते तो शादी कर लो, प्रॉब्लम है
प्रॉब्लम क्या है? कहा मेरा बाप भी नहीं चाहता, उसका भी बाप नहीं चाहता। तो क्या चाहती हो? ऐसी ताबीज दे दो कि उसका बाप खुद अपनी लड़की लेके मेरे पास चला आए और मेरा बाप भी सुधर जाए, यानी बिगड़ा हुआ। मौलवी साहब कहते हैं हाँ ठीक है, ये सुरमा अपनी आंख में लगाना, पक्के लड़की के पक्के बाप के पास चले जाना, लड़की का बाप पिघल जाएगा, और अपने बाप के पास आ जाना, तेरा बाप भी पिघल जाएगा। मौलवी कल कोई तेरी लड़की से प्यार न कर ले। अल्लाह के रसूल यही तो हरकतें बताने आए थे, नऊज़ बिल्लाह। 8-10 साले हो गई मौलवियत पढ़े हुए और बाहर निकले हुए, 10-12 साल से तकरीरें कर रहा हूँ, आज तक मुझे हदीसें नहीं मिल रही है कि लड़की से कैसे मोहब्बत की जाए और उसके बाप को कैसे पढ़ाया जाए, अपने बाप को कैसे मनाया जाए। किस मुल्ला को पता नहीं, किसने बताया? सिफली अमल करता है, सिफली अमल। जैसे कलकत्ता में एक आदमी है जिसने अपनी लैटरीन 40 दिन खाई, अब शैतान उसके पास है, अब शैतान से वो गलत काम करवाता है और वो काम हो जाता है, वो समझता है अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। हमको बेवकूफ मत बनाओ, हमें सब मालूम है तुम्हारे हथकंडे। जादू जादू, मौलवी साहब ने अंडा दिया। क्या हुआ? इसको तू फला की दुकान के नीचे डाल देना, उसके कस्टमर छूट के तेरी दुकान पे आ जाएंगे, तू आबाद हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। अल्लाह का कलाम ये बताता है कि दूसरे की दुकान बंद करवा दे और तू अपनी दुकान चला। अल्लाह का कलाम ये बताने आया था, या अल्लाह के रसूल ये बताने आए थे कि दूसरा बर्बाद हो जाए और तू आबाद हो जाए? अल्लाह के रसूल तो ये बताने आए थे कि नमाज पढ़, 5 वक्त की नमाज पढ़, दोनों सज्दों के बीच में ये दुआ कर, अल्लाहुम्मा फिरनी और अपनी आदमी व अपनी वरज़ुकनी। जब तू वरज़ुकनी की दुआ करेगा तो अल्लाह ताला तेरे घर में रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, अल्लाह उसे भी देगा तुझे भी देगा। अल्लाह के नबी ने तो ये बताया है, ये नहीं बताया कि फला की दुकान बंद हो जाए तो तेरी दुकान चली जाएगी। वो मौलवी नहीं, पढ़ने लड़के का शैतान है जो दूसरे को बर्बाद करके किसी और को आबाद करने के लिए ताबीज देता है। उस मौलवी को उल्टी छुरी से काटो, 1000 चूते मारो और 1 गिनो, ये मौलवी नहीं है, ये इब्लीस का पाप। कितना ही बड़ा वो कठमुल्ला। दो चीजें आपने फरमाया, शिर्क ना करना, हर जादू से बचो। कत्ल नफ्स, किसी इंसान को नाजायज कत्ल ना करो। दीन अकल रिबा, सूद और ब्याज ना खाओ। सूद उसका एक रुपया खा लेना, 1 दिरहम खाना, अपनी सगी माँ के साथ 36 मरतबा जिना के बराबर है। कितना खाओ? सूद ने जिसने 1 दिरहम खाया, 1 दिरहम 1 रुपया जिसने खाया, गोया कि उसने 36 मरतबा अपनी माँ नहीं सगी माँ के साथ जिना किया, यानी 36 मरतबा सुना के बाद उसको जो सजा मिलेगी जहन्नम में, वो सूद और ब्याज के खाने वाले का अदाब होगा, 1 दिरहम। और जो इसी से चल रहे हैं, LIC चल रही है, जिनकी FD चल रही है, फिक्स डिपॉजिट, वो क्या करेंगे? ओ और सी चीजें हराम है, नसबंदी हराम है। एक मसला आया था मेरे पास, मौलवी साहब हमारे यहाँ का एक मौलवी नसबंदी का आया हुआ, उसके पीछे मेरी नमाज हो जाएगी? मैंने कहा ये सवाल बिल्कुल वैसे ही है कि मौलवी साहब मैं अपने कुत्ते को पेशाब से धुलू तो पाक हो जाएगा? कितना बड़ा वो बेवकूफ आदमी है जो ये पूछता है कि मौलवी साहब कुत्ते को मैं पेशाब से धुलू तो पाक हो जाएगा? अल्लाह के बंदे जब पेशाब नापाक है तो कपड़ा कैसे पाक हो जाएगा? नसबंदी जो मौलवी का आया हुआ है बिना किसी बीमारी के उधर के, ऐसे मौलवी के पीछे तुम नमाज पढ़ने की बात कर रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा आदमी जो अल्लाह की तकलीफ को बदलता है और अल्लाह ने उसको बच्चे पैदा करने की सलाहियत दी है लेकिन वो अपने आप को बदल देता है, ऐसा मर्द या ऐसी औरत कोई भी हो अगर मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ी जाएगी, उसकी नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ी जाएगी और ऐसे शख्स को मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन भी नहीं किया जाएगा। लेकिन मजबूरी
है, तू मेरी मत कहे मैं तेरी नहीं कहूँ। तुम हमारे जो नमाजी बेटे की पढ़ देना, हम तुम्हारे बेनमाजी बेटे की नमाज जनाजा पढ़ देंगे। वरना गांव में अगर मौलाना साहब एक काम कर ले, हमारे गांव के मौलाना साहब अगर एक काम कर ले, हर गांव के आदमियों से कह रहे अपने अपने गांव पर नजर डालना, एक काम कर ले। जो बेनमाजी लड़का सिर्फ जुमे नमाज पढ़ता हूँ उसको मैं नमाजी नहीं मानता हूँ, जो बेनमाजी है सिर्फ जुमे पढ़ता है, अगर वो मर जाए और वो मौलवी साफ कह दे कि मुझे उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ना है, क्योंकि हदीस में आया है कि बेनमाजी की जनाजे की नमाज जायज नहीं है, अगर वो एक या दो जनाजों के साथ ऐसा काम कर दे, काबे के रब की कदम पूरा गांव नमाजी बन जाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि अब तो हमारी जनाजे की नमाज नहीं होती है, कहीं हम मर गए कहीं ऐसा ना हो कि कोई जनाजे की नमाज पढ़ने वाला ना मिले। मेरे भाइयों, बहुत बड़े मुजरिम की सियासत हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग जिसका जनाजा आया नमाज पढ़ा दी, जिसका आया उसकी जनाजे की नमाज पढ़ दी, और जिसका आया नहीं पढ़ी, ये हमारी भी कुछ कमी है, हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं। जहेज मांगा जा रहा है, हम निकाह पढ़ा रहे, निकाह कबूल किया? हाँ किया। जहेज मांगने आंगने वालों का मौलवी कसम खा ले, हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, जहाँ जहेज दिया और लिया जाएगा कल जहेज बंद हो जाए, एक महीना नहीं लगेगा जहेज बंद हो जाए, लेकिन हम किसी हद तक मुजरिम है, क्योंकि मेरा बेटा कल मौलवी बन के आ रहा है, अगर हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो फिर मेरे बेटे का भी निकाह नहीं होगा। हमें भी तो मोटरसाइकिल चाहिए, मौलवी को 2000 रुपए की इमामत करने वाला कभी मोटरसाइकिल देखा नहीं है, इसलिए हो सकता है कि हमें नहीं मिली तो मेरे बेटे को ही मिल जाए, कम से कम मेरा बेटा मुझे बिठाएगा। मेरे भाइयों, किसी हद तक हम भी मुजरिम हैं, मुआशरे में बुराइयों के जिम्मेदार किसी हद तक हम बोलेंगे। ऊंची जगह पर खड़ा होगा, लोगों को नेकियों का काम बताएगा और बुराइयों से बड़े बड़े गुनाहों से रोकेगा। आप रोक रहे हैं कि लोगों शिर्क न करना, लोगों को जादू न करना, किसी को ना कत्ल न करना, सूद न खाना, वह अखलू माल यतीम का माल न हर तरीके से न खाना। यतीमों के नाम पर जो मदरसों में मिलता है, ये आपको जो चंदा मिला है माफ कीजिएगा, ये इसी वजह से मिला है कि आप उसको ईमानदारी से खर्च कर रहे हैं और मदरसे इसी की बुनियाद पर चल रहे हैं। अल्लाह करे कि इनमें बरकत हो, अल्लाह करे कि आपने जो चंदा दिया हो खैर करना मदद फरमाए, क्योंकि मेरे भाइयों मदरसों के बच्चों का मुस्तकबिल इसी आपके इसी चंदे पर मुनहसिर है, और ये अताफिदा की तरफ से काम आ रहा है। मेरे भाइयों, दुआ करो कि अल्लाह इसमें अपनी तरफ से बरकत नाजिल फरमाए, इस चंदे में, इस पैसे में। उर्दू का जनाजा तो निकल चुका है, अगर हमने और आपने मदरसों की तरफ तवज्जो नहीं की तो अरबी का भी जनाजा निकलेगा, एक दिन अरबी भी हमारे दुल से खत्म हो जाएगी। ये मदरसों की बरकत है जो आज मुल्ला मौलवियों को हम और आप देख रहे हैं, लेकिन यतीमों के नाम पे मिलने वाला पैसा कोई शराब की बोतलें पिलाने में खर्च करे, कोई मंदिर बनवाने में खर्च करे, कोई इधर खर्च करे, कोई उधर खर्च करे, तो वो आज खुद जिम्मेदार है रब्बुल आलमीन की बारगाह में, वो खुद जिम्मेदार है एसडी के अंदर। मेरे भाइयों, उसकी जाति की आवाज सही होती है, इन्ना बच्चा रब्बी का लशदीद, जब मैं किसी को पकड़ता हूँ तो मेरा पकड़ा हुआ कोई छुड़ा नहीं सकता है। हमें और आपको अकल को नाखून लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें अगर सऊदीया से, दुबई से, कुवैत से अगर हमारे मदरसों को ज़कात और खैरात का ये फंड मिलता है तो माफ करना, मंदिर बनाने के लिए नहीं मिलता है, हमें शराब पिलाने के लिए नहीं मिलता है, हमें नाजायज तौर पर करने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि हमें यतीमों और गरीबों पर खर्च करने के लिए मिलता है। वो जवाब दे है, वो यहाँ की अदालत से बच सकता है, लेकिन कयामत के दिन रब्बुल आलमीन की अदालत से नहीं बच सकता। वाकलु मालिल यतीम। हंसने लगे आप लोग, शायद समझ गए कि मैं कहां बोल रहा हूं। लोग समझदार ज्यादा है, इस कंप्यूटराइज दौर में उनकी खोपड़ियां फौरन पहुंच जाती है कि मैं बोल क्या रहा हूं और किसकी तरफ इशारा जा रहा है। हम तुम्हारी तरफ भी इशारा कर सकते हैं, हम अपने ऊपर भी इशारा कर सकते हैं। आकलो वाली यतीम, उस पे आज भी जिम्मेदार है। आकलो वाली यतीम, वह तवल्ली उमर साहब, मैदान जंग हो रही है, अरे इतने काम है, ये तो हमारी चटनी बना देंगे, हम हैं ही कितने, बचे और भाग गए। मैदान जंग से पीड़ फेर के भाग जाना ये भी कबीला गुनाह है,
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات اور کسی پاک دامن شریف اور نیک عورت کے اوپر تہمت لگانا ارے کہاں شادی کر رہا اس لڑکی سے ارے وہ تو کالج میں جاتی ہے اللہ سے بات کرتی ہے ارے وہ تو موبائلوں پر بات کرتی ہے ارے وہ چار چار گھنٹے بات کرتی ہے ارے رات میں اس کے پاس بڑی مسبیلیں آتی ہیں کسی بھی پاک دامن شریف اور نیک عورت کے اوپر تہمت لگانا زنا کا الزام لگانا آپ نے بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر ان کو ختم کیا ہے دو منتر تیسرے منتر پر بھی ذرا غور کیجیے گا وکرن نہ سنا چھوڑے آئی نہ پرتی مگوتی نرپلنگ گوٹی سونی انشتی وہ اتنا سندر ہوگا کہ تمہارے دماغوں میں نہیں آئے گا اس کے شریر سے تلیتیں چکڑیں چھٹک رہی ہوں گی اتنا سندر ہوگا یہ چرتا تو نہ ہمیں ہندوؤں میں ملتی ہے نہ مسلمانوں کے پیروں میں نہ ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں میں دکھائی دیتی ہے نہ مسلمانوں کے باباؤں میں ہم نے بڑے بڑے بابا دیکھے ہیں لمبے ہیں چہرے پہ مٹی بھری ہے آنکھوں میں کیچڑ بھرا ہے ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں ہری چادر لے کے اجمیر کے نام کا چندہ مانگ رہے ہیں صبح ان کی شکلیں دیکھ لو تو قسم خدا کی ٹرین میں روٹی کھانے کو دل نہ کرے کس منحوس کی شکل دیکھ لی کیچڑ بھرا ہوا ہے یہ ہم نے باباؤں کا حال دیکھا ہے اجمیر چلے جاؤ کتنے نشیڑی آنکھوں میں لالا ہے کیا بیٹا نے ہو جائے گا سیدی موسیٰ سوہاگ کے مزار پہ گیا ہوں احمد آباد میں نے اس کو پاگل بنایا میں نے کہا کہ یہاں تو چوڑی پہنے بیٹھا چوڑی پہنے بتاؤ کوئی مرد بابا چوڑی پہنے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لانا تو مرد پر جو عورت کی شکل اختیار کرے اور اس عورت پر جو مرد کا روپ دھارن کرے یہ چوڑی پہنے بیٹھا میں نے کہا بابا چوڑی کیوں پہنے ہو یہ بابا جو مر گئے سیدی موسیٰ سوہاگ چوڑی پہنتے تھے میں نے کہا وہ بابا میرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے نام رکھنا چاہتا ہوں نام بتائیں گے اولا میم سے بتاؤں کہ نور سے بتاؤں میں نے کہا کیا مطلب بولا میم سے بتاؤں گا تو گرم کھوپڑی کا ہوگا غصے کا تیز اور نور سے بتاؤں گا تو ٹھنڈا ہوگا غصے کا تیز نہیں ہوگا اخلاق اچھے ہوں گے جیسے نعیم ندیم نسیم یہ نام ہم بتائیں گے تو وہ کھوپڑی گرم نہیں ہوگی ٹھنڈی ہوگی اور میم سے بتائیں گے جیسے ماہر ماجد تو لڑکا گرم کھوپڑی کا غصے کا تیز ہوگا میں نے کہا اللہ کے نبی کا نام محمد تھا کیا وہ بھی گرم کھوپڑی کے تھے بولا بس تو بھابیا لگتا بس یہ تو بھابی لگتا ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگا اتنی عقل تو ہمارے آدمیوں کے پاس ہے ہی نہیں یہ تو بھابی بہت کرتے ہیں ہرا دیا نہیں ٹکنے دیا ان سے دلیل مانگو تو بس ان سے بحث کرو تو یہ جاہل ہوتے ہیں جاہل وہ میں ان کی آنکھیں سنوں چوڑیاں پہنے بیٹھی ہوں چوڑیاں پہن کر کوئی خبر پہ بیٹھا ہو بازار پہ بیٹھا ہو نام بتا رہا ہو کیا اسلام کی شکل و صورت ان لوگوں نے بنا دی لوگ غیر مسلم آتے اور دیکھتے تو کیا سوچتے کہ یہ اسلام ہے ہائے ہائے یہ اسلام تو سب کو ڈھول بج رہے ہیں لڑکی گا رہی ہے ایک طرف تینا پروین بیٹھی ایک طرف عارف بیٹھا بدائیوں کا وہ بھی کمالی گا رہی یہ بھی کمالی اور دونوں بابا کے مزار پہ ہو رہا ہے وہ کہہ رہا تیری جوانی ایسی وہ کہہ رہی میری جوانی ایسم بم یہ بم وہ بم یہ کمالیاں ہو رہی ہیں یہ اسلام کی تقریر کیسی ہے ان بے غیرتوں میں بے غیرتوں میں آئے ہری پگڑی والے قسم اللہ بہتر تھا کہ تم مر جاتا اور بھی نہ کہلاتا اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا اسلام کو رسوا نہیں کرتا بے غیرت تجھے شرم نہیں آئی بھول اور تاشے لے کر چوڑیاں پہن کر آج بھی مزاروں پر تجھے شرم نہیں آتی ہے اسلام کی تقریر سننے کی ہمارے نبی فرماتے ہیں جس مرد نے عورت کی شکل اختیار کی لعنت ہے اس کے اوپر ملعون ہے وہ جو مرد عورت کی شکل اختیار کرے چوڑیاں پہنے مخنث کی طرح باتیں کرے ہجڑا بن جائے حرام ہے ملعون ہے وہ آدمی بہت سے لوگوں کو دیکھو کہ لچک ہے ان کی اسپرنگ لگا ہوا ہے ان کی کمر میں مٹک مٹک کے چلتے ہیں لڑکی چلتے ہیں چوڑی پہنے کے کان سلوا لیں گے ناک سلوا لیں گے منت مانی ہے ناک چھڑی ہوئی ہے کان سلا ہوا ہے یہ سب ملعون ہے ملعون اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان کے اوپر اللہ کی لعنت لڑکیاں جینس پہن رہی ہیں پینٹ پہن رہی ہیں شرٹ پہن رہی ہیں بال کٹا رہی ہیں ان کے اوپر بھی اللہ اسکول میں پڑھ رہی ہیں کالج میں پڑھ رہی ہیں سنا چکا ہوں کتنا بولوں کتنا بولوں کتنا کہوں آپ نہیں بتائیں گے ہم تو پڑھائیں گے انگریزی عربی نہیں پڑھائیں گے انگریزی پڑھائیں گے ہماری لڑکی ہے بخاری
शरीफ की एक बहुत प्यारी हदीस मेरे सामने आती है। हजरत उमर उस हदीस के रावी में फरमाते हैं कि एक दिन में किसी पहाड़ी के ऊपर था, मैंने एक बंदरिया और एक बंदर को देखा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मैंने एक बंदरिया को देखा और एक बंदर को देखा, वो दोनों एक साथ थे। बंदर को नींद आई और बंदर बंदरिया की गोद में सर रखकर सो गया। जरा गौर से सुनना बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने बंदरिया को देखा कि वो बैठ गई और बंदर उसकी गोद में सर रखकर सो गया। उसने बंदरिया का हाथ लिया और पैर पर रखा और उस हाथ पर उसने अपना बाल रखा, हाथ के नीचे अपना बाल रखा और उसकी गोद में आगोश में सो गया। अमर इब्ने महमूद फरमाते हैं कि थोड़ी देर गुजरी थी, बंदर नींद के आगोश में आ गया, गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वहां एक दूसरा बंदर आया, वो नाटे कद का था, छोटे कद का था और उसने बंदरिया को कनखी मारी, यानी आंख से ऐसे का इशारा किया। कनखी मारने वाला इधर आओ ऐसे। अब हमसे अच्छे इशारे तो आप लोग कर देते होंगे ऐसे। उसने कनखी मारी, बंदरिया ने उस बंदर को देखा कि गहरी नींद में, उसने फौरन उसके गाल को अपने हाथ को उठाया। बुखारी शरीफ किताब अल्लाह के दिलंसार की रिवायत है, बंदरिया ने हाथ को धीरे धीरे खींचा और बंदर को जमीन पे लिटाया और उस बंदर के साथ चली गई, एक झाड़ी में गई। अमर इब्ने महमून कहते वो झाड़ी मुझे दिखाई दे रही थी, अचानक उस बंदरिया ने उस बंदर से जिना कर लिया, उस बंदरिया ने उस बंदर से जिना किया। बंदर चला गया, बंदरिया अपने बंदर के पास आई जो लेटा था और धीरे से बैठ गई और चुपके से अपना हाथ बंदर के गाल के नीचे देने लगी कि बंदर को कुछ भनक सी लगी और बंदर एकदम हड़बड़ा के उठ गया, उड़ा और उड़ते ही बंदरिया को सूंघने लगा। अल्लाह ने ये अकल सबको दी है पहचानने की, एक औरत और एक मर्द कमरे में हो और अचानक दरवाजा कोई बाहर से खटखटा दे, औरत के बाल बिखरे हो, दुपट्टा इधर उधर पड़ा हुआ हो, अगर से वो कपड़े पहनकर बाहर निकले लेकिन हालात बता देते हैं कि कमरे में गई, अंदर से दरवाजा क्यों लॉक था, इसके चेहरे के बाल बता रहे हैं कि ये किसी दूसरी पोजीशन में थी। मेरे भाइयों ऐसी बंदर हर बार क्यों था? और उसने अपनी बंदरिया की बू को सूंघ लिया, वो समझ गया कि इस बंदरिया ने जिना किया है। ये नई हदीस में तुम्हें सुना रहा हूँ, शायद अब तक मैंने किसी जगह इस बात को बयान नहीं किया। तसव्वुर कीजिए, वो बंदरिया को सूंघ कर अंदाजा लगा लिया और उसने चीखना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अमर इब्ने मैमून कहते हैं कि उसके चीखने से दूसरे बंदर वहां आ गए और दूसरे बंदर ने जब अमर इब्ने महमून कहते हैं उस बंदर के साथ इकट्ठा हुए, उसने बंदरिया से पूछा वहां का रफ्त तो मैंने देखा, उसने इकरार कर लिया, अपना सर हिला लिया। अब वो सारे बंदर उस नाटे बंदर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, तलाश करने लगते हैं। मैं पहाड़ की चोटी से देख रहा था, थोड़ी देर के बाद वो बंदर उस सारे बंदर उस पहले बंदर को नाटे बंदर को पकड़ के लाए और उस बंदर से बंदरिया से कहने लगे, बंदरिया इशारा करती है कि यही है। अमर इब्ने महमून कहते ये वही बंदर था जिसको मैंने जिना करते हुए भेजा था, फिर मैंने देखा कि उन्होंने एक गढ़ा खोदा, उन बंदरों ने एक गढ़ा खोदा और गढ़ा खोदने के बाद बंदर और बंदरिया को दोनों उस गढ़े में डाल दिया और वो पत्थर उठाए और पत्थरों से उन्होंने उन दोनों बंदर और बंदरिया को रचम कर दिया, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया। अमर इब्ने महमून कहते हैं जब मैंने अल्लाह के रसूल के मुंह से ये सुना था कि अल्लाह के नबी ने सीता की सजा रजम करना और पत्थरों से मारना रखी है, तो मैं दौड़ता हुआ नबी अकरम के पास गया और कहने लगा कि मुझे इस्लाम की कलमा पढ़ा दो, क्योंकि जो सजा आपने आज रखी है जानियों को पत्थरों से मारने की, वो तो मैं बहुत
पहले बंदरों बंदरियों में देख चुका हूँ, जानवरों में देख चुका हूँ। इसका मतलब कुदरत की तरफ से वही सजा है। आप सच्चा दिन लेके आए हैं मेरे भाइयों, और तरह की बंदर भी बर्दाश्त नहीं करता है कि मेरी बंदरिया किसी गैर बंदर के साथ, एक जानवर भी बर्दाश्त नहीं करता है कि मेरी बंदरिया किसी गैर बंदर के साथ गलत काम करे। ये तुम्हारी गैरत है कि अपनी भाभियों को अपने देवर के साथ बाजारों में भेज देते हो, अपनी बहनों को खाला सात भाइयों के साथ भेज देते हो, चचाजात भाइयों के साथ भेज देते हो। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, देखिए कि हमारी चचेरी बहन है। कौन है चचेरी बहन है? कौन है मुमेरी बहन है? अरे चचेरी बहन से जब निकाह जायज है तो तू बाजार में कैसे घुमा सकता है? चचेरी बहन से जब शादी जायज है तो तू उसको हॉस्पिटल कैसे ले जा सकता है? मेरे भाइयों ये हमारी गैरत है कि हमारी औरतें अकेले बाजारों में घूम रही है, या वो ऐसे रिश्तेदारों के साथ घूम रही है कि दिल से पर्दा है और निकाह कभी भी हो सकता है। तलाक के बाद या बेटा हो जाने के बाद उनसे निकाह जायज है। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए कि इस्लाम की गैरत तो ये भी बर्दाश्त नहीं करती, इस्लाम की गैरत तो ये भी बर्दाश्त नहीं करती। थोड़ी सी अकल पे जोर देकर इस वाक्य को सोच लेना, बस मैं जोर दिलवा रहा हूं, बस जोर दिलवा रहा हूं। एक औरत मस्जिद में खुतबा सुन रही है, अल्लाह के नबी ने खुतबे के अल्फाज अदा किए, पर्दा करो इनसे इनसे इनसे। उसने कहा ठीक है। कहने लगी अय अल्लाह के नबी, मेरे तीन रूम है, एक ऊपर एक नीचे और एक बीच में, तीन रूम है। नीचे वाले रूम में मेरी सास और ससुर रहते हैं, ऊपर वाले रूम में मैं और मेरा शौहर रहता है, और उससे भी ऊपर रूम में देवर और जेठ रहते हैं। अरे अल्लाह के नबी, घर में आना जाना लगा रहता है, तो क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं और जेठ से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाँ, तू अपने देवर से भी पर्दा कर, जेठ से भी पर्दा कर। ये बड़े भाई से भी जेठ है, बड़ी उम्र के, जेठ से भी पर्दा कर, देवर से भी पर्दा कर। भाई है इजाजत भी दे रहा है भाभी को, अपनी बीबी को इसके सामने, लेकिन उसकी इजाजत के बावजूद नहीं। भाई मेरी बीबी, मैं जानता हूँ कि ये मेरी है, और ये भी जानता हूँ नेक है, मेरा भाई मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। हमें एतबार है अपने भाई पर, लेकिन शरीयत को एतबार नहीं है मेरे भाई। शरीयत कह रही है कि बिल्कुल गलत, देवर से भी पर्दा है, तेरी इजाजत है कि देवर के सामने आ जाओ, फिर भी उसको नहीं आना चाहिए, और वो नाफरमान नहीं कहलाएगी। और कीजिए, हमें तो भरोसा अपने भाई पर, लेकिन शरीयत को भरोसा नहीं है। और ऐसे कितने केस बिगड़ गए और हुए भी है कि भाभी देवर से कनेक्शन कायम कर बैठी है। हम नहीं जानते, तुम्हें मालूम होगा तुम्हारे इलाकों में भी ये केस हुए होंगे, अभी नहीं तो दो चार साल पहले, बीस साल दस साल पहले ऐसे केस हमारी निगाहों में रोजाना आते हैं। आज का पेपर ये पढ़ा, कल का वो पढ़ा, कहीं ना कहीं के किस्से बहुत हैं। जिस तरीके से मेरी बीवी के साथ मैं खाना खा रहा हूँ, कितने में रोटी खत्म हो जाती है, आप आवाज दे रहे हैं छोटे भाई को, जाओ जल्दी से रोटी लाओ, माँ रोटी बना रही है रोटी लाओ। मियाँ बीबी दोनों बैठे हैं, हमारा छोटा भाई रोटी लेकर आया, हम कह रहे आओ बेटा बैठ जाओ, आओ तेरे भाई बैठ जाओ, खाना तुम भी खा लो। सुन लो, उस औरत को जो मेरी बीवी माँ बैठी है, उसको जायज नहीं है कि मेरे सामने बैठने के बावजूद भी वो मेरे देवर के साथ बैठकर खाना खाए। शौहर की इजाजत के बावजूद उसको छोड़ना पड़ेगा, या चेहरा घुमाना पड़ेगा, पर्दा करना पड़ेगा, भाई की मौजूदगी में भी भाभी को देवर से पर्दा करना पड़ेगा। यहाँ एक रुख देखिए, आइए दूसरा रुख देखो। हम ससुराल गए हैं, मेरी बीबी माँ पहले से मौजूद है, मेरी सास ने कहा बेटी तुम दोनों बैठ जाओ खाना खा लो, मेरी बीबी ने दस्तरखान लगा दिया, हम ससुराल में हैं, दस्तरखान लग गया, मेरी बीबी हाथ में रोटी एक हाथ में सालन लेके आई, दस्तरखान पे लगा दी,
जग लेके आई, पानी गिलास लेके आई, बैठ गई और वो भी मेरे साथ खाना खाने लगी। कितने में रोटियां खत्म हो गई। मेरी बीवी अपनी छोटी बहन को बोलती है या बड़ी बहन को, आए पाला जरा रोटी ले आ, मेरे जीजा जी मेरे बहनोई खाना खा रहे हैं, हम भी खाना खा रहे हैं, अभी रोटी खत्म हो गई, जल्दी ला। साली खाना लेके आई, ये रोटी लेके आई। मेरी बहन, मेरी बीवी ने बोला उसको, आओ बहन तुम भी बैठ जाओ, ए फला तुम भी बैठ जाओ, ऐ सगुफ्ता तुम भी बैठ जाओ, ऐ कहकिशा तुम भी बैठ जाओ। मेरी साली मेरे सामने बैठी है, मेरी बीवी मौजूद है, लेकिन बीवी के होने के बावजूद इस बीवी की मौजूदगी में भी हम अपनी साली के साथ बैठ कर खाना नहीं खा सकते हैं। या तो साली को उठना पड़ेगा या मुझे भाग मुझे उड़ना पड़ेगा। और चलो इन दोनों वाक्यात को सामने रखो, फिर ये कैसे जायज है कि बीवी की इजाजत और सास की इजाजत के बावजूद हम अपनी बीवी को घर में बिठाएं और साली को मोटरसाइकिल में बैठ के घुमाएं, उसको हम मेले में ले जाएं, उसको हम नुमाइशों में ले जाएं, उसको हम पिक्चर दिखाने ले जाएं, उसको हम शॉपिंग कराने ले जाएं। न देवर भाभी को ले जा सकता है, न शौहर, न आदमी अपनी साली को ले जा सकता है। अब और करो, जो इस्लाम का जो भाई पर भरोसा नहीं करता है, वो इस्लाम ये कैसे भरोसा कर ले कि तू अपनी बेटी को कॉलेजों में लड़कों के पास बैठ के पढ़ा, तू अपनी बहन को लड़कों के पास बैठ के पढ़ा, एक साथ लड़कों के पास बैठा के पढ़ा, उनकी कापी मोलाए, अपनी कापी उनको दे दे, होमवर्क तो करे, फोन नंबर ले मोबाइल से और दोस्ती के नाम पर नए नए गुल खिलाए, ये इस्लाम कैसे बर्दाश्त कर सकता है। जो इस्लाम बीवी की मौजूदगी में भी साली के को करने की का हुक्म देता है और शौहर को हुक्म देता है कि वो अपनी बीवी के होते हुए भी साली के चेहरे को न देखे, और औरत को हुक्म देता है कि वो अपने शौहर की मौजूदगी में भी देवर के चेहरे पे नजर न डाले, वो इस्लाम ये कैसे इजाजत दे सकता है। जो साली को पहनोई की शक्ल देखने को मना करता है, जो औरत को देवर का चेहरा देखने को मना करता है, वो कॉलेजों के आम लोगों को देखने की इजाजत देगा, उनके साथ बैठने की इजाजत देगा। जिनकी लड़कियां कॉलेजों में लड़कों के साथ बैठ के पढ़ती है, वो होंगे अपने घर के चौधरी, वो होंगे अपने घर के बड़े रईस, वो होंगे अपने घर के MLA, MP। तुम बड़े रहो, तुम अपनी जिला में आजाद, तुम अपनी फील्ड में आजाद है। जिनकी लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ती है, वो लोग दयूस है, दयूस है, दयूस है, दयूस आना नहीं सुनते हो, नहीं समझते हो तो सुन लो। जिनकी लड़कियां कॉलेजों में लड़कों के साथ बैठ के पढ़ती है, वो पाप भरुए हैं, भरुए हैं, भरुए हैं। जाओ, हमने तो कह दिया, हम अपनी बात वापस लेना नहीं जानते। अपनी लड़कियों को पढ़ाओ मुल्ला मौलवियत, पर्दे के साथ हम अपने जुमले वापस ले लेंगे। तुम अपनी जिद पर अड़े रहो, हमारी लड़कियां PhD करेंगी, BCom करेंगी, लड़कों के साथ बैठ के पढ़ेंगी। तुम अपनी जिद पर अटल हो, हम अपनी जिद पर अडिग हैं। तुम नहीं बदल सकते हो, हम भी कुरान और हदीस से हट नहीं सकते हैं, हमने भी जो बात कह दी। तुम अपने आप को बदलो, कुरान हदीस नहीं बदला जाएगा, कुरान हदीस अपनी जगह पर रहेगा। मुल्ला मौलवियों को कमजोर समझने वालों, वो दिन गए मुल्ला मौलवियों को अपने इशारों पर नचाते थे, अब मुल्ला मौलवी तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचेंगे। मुल्ला मौलवियों को अंबिया का वारिस करार दिया गया है, नबियों की जबान से जो निकला भी मुल्ला मौलवी बता के रहेंगे। जमाना तेजी के साथ चल रहा है, तुमने कल तक जो कहा मुल्ला मौलवी वो कहते रहे, अब तुम्हारे दिन खत्म, अब मुल्ला मौलवियों की बातें सुनी जाएंगी, कुरान हदीस के दायरे में सुनी जाएंगी। वो दिन गए, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम भी सो गए दास्तां कहते कहते, अब हम उठ गए, बेदार हो गए, इंशाल्लाह इस्लाम की बात पहुंचा के रहेंगे। अपनी लड़कियों को या तो कॉलेजों से बचाओ, मदरसों में पढ़ाओ, अब मदरसों में भी कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, मदरसों में भी अब साइंस पढ़ाई जा रही है, मदरसों में भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। मेरे भाइयों, आप यही चाहते हो कि मेरी बेटी इंग्लिश पढ़े, आप यही चाहते हो कि मेरी बेटी कंप्यूटर सीखे, अब ये सारे इंतजाम अब मदरसों में भी होने लगे हैं। हमें और आपको मदरसों में आपको देखना चाहिए और अपनी बच्चियों को तालीम देना चाहिए। मेरे भाई, जो ये मंत्र मैंने पढ़ा था, एक मंत्र और पढ़ दूं, हमें हिंदू और मुसलमानों में, हमें ना हिंदुओं के देवी देवताओं में कोई खूबसूरत दिखा, ना मुसलमानों में दिखा। मुसलमानों की पीर ऐसे दिखे और हिंदुओं के देवी देवताओं की शक्लें पूछो मत। हनुमान का चेहरा देख लो, हाँ, वो फूला है,
पीछे पूछ लगी है। काली माई की मूर्ति देख लो, भयानक है, जबान बात है, हाथ में त्रिशूल निकाली गई, किसी के दस पैर किसी के दस पैर, खूबसूरत अगर हमने देखा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत चेहरा, वो खूबसूरत चेहरा, वो खूबसूरत चेहरा मेरे भाई जो जिसके बारे में हजारों बार आपके दरमियान बोल चुके हैं, हजरत काफिर इतने समुरा कहते हैं कि चांद को भी अगर हुस्न मिला है तो मेरे नबी चेहरे से मिला है, बस इतना काफी है कि आसमान पे चांद था तो जमीन पर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, आसमान पे सूरज अगर चमकता था तो फर्श पर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह रोशन थे, इसीलिए अल्लाह ने सिराज मुनीर आगे दिया, रोशन चमकता हुआ सूरज, रोशन चमकता हुआ सूरज, अब थे शाम भविष्य की मनाती वासुदेव अंगरा गति पुण्य गंगा निरस पर शाम, उनके जिस्म से टकरा कर जो हवा चलेगी वो बहुत ही सुगंधित खुशबूदार होगी, अल्लाह के रसूल से जो हवा टकरा के चलती थी वो हवा इतनी खुशबूदार हो जाया करती थी कि लोगों के पास जो गुजरती थी लोग समझ लेते थे कि ये हवा मोहम्मद रसूलुल्लाह से टकरा के आई है। अब हुरैरा फरमाते कि मैं नबी को ढूंढने निकला, हजरत आयशा से पूछा घर में नहीं है, मैं ढूंढने निकला, अब चौराहा मिला दाएं बाएं आगे पीछे नबी कहां गए पता नहीं, एक जगह से खुशबू आ रही थी, मैं उसी रास्ते पे चल गया, पता चल रहा था कि ये खुशबू मेरे नबी का पता दे रही है, मैं उसी रास्ते पे चला और हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मिल गए। फिर भी मैंने आपके सामने दो घंटे से ज्यादा टाइम ले ही लिया है, पौने एक से लेकर सवा तीन तक तक मेरे भाइयों मेरे बाप भी मुकर्रर होंगे, आप उनको सुने, आप उनको समाज फरमाएं, और एक बात आप सुन लीजिए, जो हुआ है अब का आज की तारीख में उसको यहीं पर रफा दफा करिए और यहीं पर आप उसको भूल जाइए, हम भी भूल जाते हैं वो मामला गुस्सा गर्मी में जो कुछ भी हुआ है, हजरत उमर को भी गुस्सा आता था, लेकिन सही बात यह है कि बात सच्चा आदमी और अच्छा आदमी वो है जो अपनी गलती पर नादिम हो और शर्मिंदा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और वो अल्लाह के रसूल उससे टकरा गए अंधेरे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बोल दिया कि अबे अंधा है दिखता नहीं है तुझे, वो अल्लाह के रसूल को देख नहीं सकता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अंधा तो नहीं हूँ लेकिन धोखे से मैं टकरा गया हूँ मुझे माफ कर दो, जब उसने ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो माफी तलाफी करने लगा, आपने कहा टकराया मैं हूँ और माफी तुम मांग रहे हो ये क्या बात है, मुझे माफ कर दो, वो कहता तुम मुझे माफ करो, अल्लाह के रसूल मेरी गलती है मैंने आपको अंधा कहा, आपने कहा नहीं नहीं मैं टकराया तुम मुझे माफ करो, यहाँ तक कि फजर की नमाज का वक्त हो गया फैसला नहीं हुआ, फजर की नमाज आपने पढ़ाई फिर सहाबा को रोका, अरे सहाबा तुम ही बताओ अंधेरे में मैं इससे टकरा गया और ये मुझे माफ नहीं कर रहा है, देखिए इसको माफ करना चाहिए नहीं, साहबा ने कहा अल्लाह के नबी को माफ नहीं कर रहा, उसने कहा अल्लाह के नबी को मैं माफ करूं, मैंने कह दिया मैं अंधे का तुझे दिखता नहीं देख के नहीं चलता है गलती मेरी हुई है मुझे मैं माफी मांग रहा हूँ, अल्लाह के रसूल मुझे माफ नहीं कर रहे, साहबा ने कहा अल्लाह के नबी अब तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, आप सबसे बेहतरीन जज है आप ही फैसला करिए क्या फैसला होगा, आप टकराए हैं यहाँ की गलती थी, वो कह रहा है कि मैंने अंधा कह दिया ये मेरी गलती है, अल्लाह के रसूल अंधा कह देना वो भी आपको, मुझे तो उसी की गलती नजर आती है आप ही उसको माफ कर दीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या मेरे दोस्त एक काम करो मैं ही एक फैसला करता हूँ उसको तुम भी मान लो हम भी मान लें, पूछा क्या है फरमाया अल्लाह आए साहबी तुमने अंधा कहा ये तुम्हारी गलती है और मैं तुमसे टकराया ये मेरी गलती है, चलो एक बार पर फैसला कर लेते हैं तुम मेरी गलती माफ कर दो हम तुम्हारी गलती माफ किए देते हैं, बस ये मामला एकदम रफा दफा हो गया, कोई मामला एकदम बिल्कुल फिक्स हो गया और दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया, यही मामला है यहाँ पर भी यही मामला होना चाहिए कि हमारे साथ जो हुआ हम आपको माफ कर रहे हैं, आपके साथ जो हुआ आप हमें माफ करिए, हमारे हमने जो गलती की वो आप माफ करें, हाँ हमने जो गलती की वो आपने जो गलती की वो हम, अब इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए और कल होटलों में बैठ के डर के होना चाहिए, मैं खुलूस दिल से उस मामले को भूल रहा हूँ आप इसलिए, और फिर मैं दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह इस मदरसे को दिलदूनी चौगनी तरक्की अता फरमा, और अल्लाह हम सबको अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने की तौफीक अता फरमा, मैं दुआ नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे बाप भी मुकर्रर है बोलने वाले और इस वक्त मेरे जो हम अपनी फैमिली लेके आए हैं तबीयत ठीक नहीं इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना था मुझे जल्दी वापस होना था, लेकिन आपने हमारा वही टाइम कर दिया है जो आमतौर पर होता है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि उसकी तबीयत भी ठीक हो, अल्लाह उसको भी शिफाए कामला और आजला अता फरमाए, وما علينا الا البلاغ المبين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين। आप लोग बैठिए अच्छी बात नहीं है।
देखिए इसी वजह से मुझे लास्ट में टाइम